चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि हम आरसी को कैसे डील करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे इसके, कुछ याद आ रहा है पिछली वाली क्लास में क्या बताया था? आज मैं आपको कुछ इसके प्रीवियसर क्वेश्चंस बताऊंगी, उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या उसमें आप लोग मेथड लगाएंगे और कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो हम पूरे प्रीवियस ईयर की हेल्प से ही, कीवर्ड की हेल्प से ही आरसी को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले आज मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़िए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है? तो देखो, जब भी मैंने आपसे कहा है कि अगर हम लोग आरसी की बात करते हैं, बेसिकली इसमें आपको क्या ध्यान रखना है जब आप पैसेज को पढ़ोगे, बिफोर स्टार्टिंग दी सेशन आपको कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ यहाँ पे, उनको आप लोग अपने दिमाग में रखना। मैंने आपको कहा है एक नोटबुक में इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए और जैसे जैसे आगे जो जो पॉइंट्स बनेंगे उनको फिर समझते रहिए कैसे वो लिंकअप हो रहे हैं, ठीक है? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको आरसी सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? आज मैं 2014 के क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसमें कुछ रिसेंट के भी हैं, और जो आज मैंने आपके लिए थीम पकड़ी है उसको बताती हूँ, ठीक है? तो देखो, जब आप आरसी पढ़ोगे क्या ध्यान में रखना है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इसका मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं होता है, मतलब खाली आप बार बार पैसेज को रीड नहीं करेंगे, बिकॉज पेपर ऑलरेडी बहुत लेंदी होता है ना, तो आपको अपना टाइम बचाना है। तो रीडिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या भी करना है, आपको अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है? एक पेन लेकर पकड़िए, ठीक है? जो जो आपको वहां पर वर्ड लग रहे हैं अंडरलाइन करते रहिए, और मैंने आपको बताया था जहां पर इंटरलिंकेजेस होता है नेक्स्ट पैराग्राफ से, है ना, जहां पे मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन वर्ड्स जहां पे होते हैं जनरली, वहां पे हमारा आंसर ट्रैप होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लास्ट क्लास में समझाया था मैंने एक तरीका निकालने का, ठीक है? तो देखो, जब आपको रीडिंग के साथ साथ आपको क्या भी करना है, आपको अंडरस्टैंड भी करना है चीजें कैसे यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, ठीक है? अब देखो दूसरी चीज, अभी जितने भी पैसेजेस आप मेरे साथ सॉल्व करोगे ना, आपको उन सब में ये अप्रोच को ध्यान में रखना है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि हमारे पैसेजेस में इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स, ठीक है? तो जैसे जैसे हमारे कीवर्ड्स चेंज होते हैं तो हमारे आंसर को करने का अप्रोच भी क्या होता है, चेंज होता है, बताया था ना। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे, जैसे आपके होते हैं अजम्पशंस, कुछ होते हैं आपके कीवर्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का, या मेन थीम क्या है, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है? आज हम जिस कीवर्ड से डील करेंगे वो है आपका सेंट्रल आइडिया। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो मैं आज पेपर डिस्कस कर रही हूँ, अब आप कहते हैं ना कि पेपर का जो पैराग्राफ है ना वो डिफिकल्ट हो रहा है, यानी कि आरसी जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, बिकॉज आज आप मेरे साथ जब 2014 के पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे ना कि यहाँ पर कीवर्ड्स का इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मतलब लाइक विदाउट कीवर्ड्स भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराए थे कुछ क्वेश्चन जिसमें हम लोग कीवर्ड्स का भी यूज नहीं कर रहे थे ना, तो वैसे ही क्वेश्चन है। और साथ में हम समझेंगे कि सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल थीम क्या होता है, इसके बेस्ड क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है? उसके बाद कुछ जनरल रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, वो एक बार ध्यान दे दीजिए, कुछ रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है ना, मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक चीज बताई थी, 2023 का भी कराऊंगी मैं, 2023 का डायरेक्ट इसलिए नहीं करा रही हूँ, मैं आपको 2014 से स्टार्ट करूंगी, बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक जाएंगे। 23 का करेंगे ना तो फिर आपको वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप हर एक कीवर्ड का मतलब समझ जाओगे ना तो 23 वाला पेपर आप लोग खुद मेरे साथ सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको सारे कीवर्ड्स को प्रीवियस ईयर की हेल्प से ही एक एक पैराग्राफ में आपको समझा दूँ, ठीक है? तो जब आपके सारे कीवर्ड्स आप समझ जाओगे, सारे आप अप्रोच सीख जाओगे कैसे करना है, तो आप 23 वाला खुद मेरे साथ कर लोगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने आज 23 वाला नहीं लिखा है, मैं इसलिए आपको ये वाला करा रही हूँ जो 2014 से शुरू करेंगे, 15, 16, 17, आप खुद देखोगे ना अपनी आंखों से कि डिफिकल्टी लेवल कैसे चेंज हुआ है, कैसे पैटर्न जो है वो बदला है 2014 के बाद से आज प्रेजेंट में क्या चेंजेस आए हैं पेपर में, ठीक है? चलो, अब देखो, सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जो बनाए हैं वो आपके ऊपर लागू करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है जब आप पैसेज को अप्रोच करोगे, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, बियॉन्ड द पैराग्राफ नहीं जाना है, ठीक है? कहाँ पे जाना है वो मैं बताऊंगी कि कहाँ पर आपको जाना है, उससे पहले आपको किसी भी पैराग्राफ में बियॉन्ड द पैराग्राफ नहीं सोचना है। जो आपने जीएस में अपनी नॉलेज गेन करी है ना, उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना है, ठीक है? पहला थंब रूल अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि जीएस की नॉलेज पैराग्राफ में नहीं लगाओगे, ठीक है? दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, फर्स्ट थिंग ये क्लियर है ना, सेकेंड थिंग क्या करना है, आपको यहाँ पे
ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले आप ऑप्शंस को पढ़िए, फिर आप पैराग्राफ पे आइए, तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर करी थी, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो करिए, किसी और के बनाए हुए रूल्स पे मत चलिए, अपने रूल्स पे चलिए। लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया था, मैंने आपको कहा था कि पहले आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए, और ऑप्शंस को पढ़ के क्या करना है, क्या समझाया था कि एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, ठीक है, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। और कैसे एलिमिनेट करोगे, इसके भी मैंने आपको तरीके बताए थे कि कैसे आप एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को। तो अब वो एक दो तरीके देख लेते हैं, फिर सीधे हम पैराग्राफ पे आएंगे, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो अब नेक्स्ट थिंग आपको एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी तुक्काबाजी लगाना है, ठीक है। एलिमिनेशन कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपको क्या करना है, आपको जो पैराग्राफ दिया है उसमें जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऑप्शंस को पढ़ते समय आपको एक्सट्रीम वर्ड्स, जैसे मैंने बताए थे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे दिए होते हैं ना जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल टाइप है, ठीक है, वैसे एक्सट्रीम वर्ड को आपको नेगेटिव में रखना है कि मे बी ये आपका इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ओनली, और उसके बाद आपका शुड, ये सब चीज़ें आपकी जनरली क्या होंगी, इनकरेक्ट होंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जहाँ पर पॉजिटिव बातें बताई गई हैं, जैसे कि किसी पॉलिसी को लेके, किसी चीज़ को लेके आपकी कोई पॉजिटिव, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को लेके पॉजिटिव स्टेप्स हैं, तो वो जनरली आपके हर एक पैराग्राफ में आप देखोगे वो आपके करेक्ट होते हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे पैसेज के साथ सीखते रहोगे, ध्यान देने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलिए सीधे आते हैं हम अब अपने पैराग्राफ पे, और कुछ मैं आप लोगों को ना वो दूंगी जिसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है कि रूट वर्ड्स का ध्यान रखना है। रूट वर्ड्स क्या होते हैं ना, एक वर्ड से हम बहुत सारे वर्ड्स बना लेते हैं, तो थोड़ा सा उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको एक एक पेज पूरा एक पैराग्राफ बना के दे दूंगी, उसको बस एक बार देख लेना, उतना ज़्यादा यहाँ पर रोल नहीं है, ठीक है। चलो देखो मेरे सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, पूरा नहीं दिख रहा, इतना बड़ा बड़ा तो लिखा है, कहाँ से नहीं दिख रहा है। अच्छा रुकिए एक मिनट, कोई नहीं छोटा कर देते हैं, अब मुझे बताना आप लोग अब विजिबल है, अब विजिबल है, देखिए लेफ्ट साइड से नाउ क्लियर। चलो एक मिनट का टाइम लोगे, फटाफट पैराग्राफ को देखो, ठीक है। पहले आपको मैं पैराग्राफ दिखाती हूँ, फिर मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है, फिर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शंस दिखाऊंगी। आपको एक मिनट का टाइम दिया है मैंने, जस्ट फटाफट एक बर्ड आई व्यू होता है ना जिसको हम लोग कहते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेना कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो मुझे तो पूरे फर्स्ट लाइन में ही समझ आ रहा है कि इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है। आप लोगों को क्या समझ आ रहा है इसमें, इस टॉपिक में किस चीज़ के बारे में बात करी है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताइए मुझे। आपको पहली लाइन से ही समझ में आ रहा होगा क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या कर रहा है, किस चीज को इफेक्ट कर रहा है, इंडिया के एग्रीकल्चर को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो कंप्लीट यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है, समझ आ रहा है किस चीज के बारे में ये आर्टिकल बोल रहा है। क्लियर हो रही है ना चीजें, क्लाइमेट चेंज, यस। तो एक बार मैंने क्या किया, आप लोग बस एक बार फटाफट देख लीजिए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे मुझे समझ आ गया कि ये पैराग्राफ पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले आप ऑप्शंस देखने हैं। देखो जब आप ऑप्शंस को देखोगे ना तो आपको ऑप्शंस से भी पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मैं आपको सीधे पहले ऑप्शंस दिखाती हूँ, सबसे पहले आप ऑप्शंस को ही देखिए। चलिए सबसे पहले ऑप्शंस को देखिए, पहला तरीका यही करना है आपको, ऑप्शंस को देखिए क्या बात हो रही है ऑप्शंस में, ध्यान से देखिए और पढ़िए और कोशिश करिए कि एक दो आप एलिमिनेट कर पाओ, फिर हम पैराग्राफ पे आएंगे, ठीक है। ट्राई करिए एक दो को एलिमिनेट करने की। देखो मैंने क्यों कहा आपको कि आप पहले ऑप्शन को पढ़िए, आप ऑप्शन पढ़ के भी समझ सकते हैं। देखो क्लाइमेट चेंज मे फोर्स द शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप ड्यू टू दी फॉलोइंग कुछ रीजंस दिए, तो क्या आपको ऑप्शंस पढ़ के नहीं समझ में आ रहा कि ये टॉपिक किस चीज से रिलेट कर रहा है, समझ पा रहे हो ना। तो क्या होता है ना, जनरली जब हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर ऑप्शंस पे आते हैं ना, तो डुअल वर्क हम लोग करते हैं वहां पे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले एक बार ऑप्शंस पे गो थ्रू हो जाना है। अब ऑप्शंस को अगर आपने देख लिया तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वाटर अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर सुटेबिलिटी एट अदर लोकेशन,
पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, लास्ट है वाइडर एडेप्टेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, ठीक है, डन। फोर फोर आंसर, आंसर भी दे दिया क्या आपने सीधे ही? अच्छा सेकंड, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सेकंड आपने पैराग्राफ पढ़ा प्रणव, या फिर आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया मुझे? मैंने आपको, आपका ब्रेन उस लेवल पे ले जाना है कि आपको सीधे पैराग्राफ पढ़ा, सेकंड पैराग्राफ तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, आपने कैसे पढ़ लिया? एक ऑप्शन मेरे को दिया है 1 2 3 4, चलो पैराग्राफ शो करूं, ऑप्शंस देख लिए ना सबने? ऑप्शंस में किसी को डाउट है दिमाग में क्लिक कर दो। 2 and 3 एलिमिनेटेड, व्हाई 2 and 3 इज एलिमिनेटेड? क्यों एलिमिनेट कर दिया आपने? क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप नहीं होती है? यस बिल्कुल, जिसने ये दिमाग लगाया है ना, दैट इज वेरी वेरी गुड। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर वाला जिसने दिमाग लगाया है उसका एकदम करेक्ट है। यस, वन एलिमिनेट करते ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, पैराग्राफ पढ़ने की नीड भी नहीं है, बट हम पैराग्राफ पे जाएंगे, ठीक है। देखो इधर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर सुटेबिलिटी एट अदर लोकेशन, पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, अगली बात आपकी हो रही है वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। इधर देख लो, ग्लेशियरों का पिघलना, अन्य स्थानों पर जल की उपलब्धता एवं तापमान की उपयुक्तता, फसलों की खराब, ये तो पता ही है ना आप लोगों को, क्लाइमेट चेंज होता है। मैंने आपको क्या बोला, जो जनरली करेक्ट स्टेटमेंट है ना उनको ब्रेन में रखिए। तो क्या आप बताओ मुझे, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? प्रोडक्टिविटी पुअर होती है ना, आ रही ना बात समझ में? तो बी तो सी तो होना ही होना है, कि ये तो कॉमन लॉजिक है, सी अगर होना है तो ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। आप ऐसे कर, अगर आपको कुछ एलिमिनेशन करना नहीं आ रहा तो आप ये कर लीजिए ना, ठीक है। इतना तो समझ आ गया मुझे कि पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप होगी, ठीक है। अब उसके बाद है वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फसल पौधों की व्यापक अनुशीलता, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हमें नहीं पता, ठीक। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन। अब पहला वाला बहुत इजीली एलिमिनेट हो सकता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हर बारी आपके मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं? ये कहीं ऐसा नहीं बताया गया है, आप पैराग्राफ भी पढ़ के देख लीजिए, यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखो यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट दे रखे हैं, पढ़ो जल्दी से एक बार। अब पूरा शॉर्ट ही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को पढ़कर ही डायरेक्ट आंसर्स नहीं बताने हैं आपको, एक बार पैराग्राफ पे भी जाना है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ये नहीं बोला है आपको कि सीधे ऑप्शंस वही टिक करके आ जाइए एग्जाम में, नो। एक बार जब आपको समझ आ रहा है कि यस ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, तो फिर क्या करना है, फिर आपको एक बार पैराग्राफ पे जाके देखना है कि यस जो मैंने पॉइंट रखा था क्या वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर इफेक्ट दिखाता है इंडिया में एग्रीकल्चर पे, ठीक है। कुछ आपके पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं एवरेज, इतना टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज हो रहा है नेक्स्ट 30 ईयर में, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है 10 सेंटीमीटर सेम पीरियड में, और रीजनल जो वेरिएशंस हैं वो आपके देखने को मिल रहे हैं, ड्रॉट हो रहा है। इसका जो इम्पैक्ट है इंडिया में वो लाइकली क्या है, क्वाइट है और क्रॉप स्पेसिफिक है। तो देखो लिख दिया ना, क्रॉप स्पेसिफिक है। आगे देखो, सम क्रॉप्स मे रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू द चेंजिंग कंडीशन, अदर कुछ और जो है नॉट, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये एम्फेसाइज करता है द नीड प्रमोट द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड क्रिएट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम ऑफ परमिट एडेप्टेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया पहला पैराग्राफ? अब देखो दूसरा, देखो यहाँ पे जल्दी से पढ़ो। क्री इंग्रेडिएंट क्या है यहाँ पे, ड्रॉट प्रूफिंग हो रहा है, तो मैनेज कर रहे हैं रिचेंज इन एक्वाफायर टू इंश्योर करना है कंटिन्यू यील्ड ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेबल क्रॉप, जो आपका नेसेसरी होगा हम शिफ्ट करेंगे जहाँ पे ये क्रॉप जो है वो ग्रो हो रही है, रिस्पॉन्स कर रही है किसके अगेंस्ट, टेम्परेचर चेंज एज वेल एज वाटर अवेलेबिलिटी। पढ़ो आप लोग भी, बिल्कुल मेरी तरफ नहीं देखना है। लेटर विल बी की फैक्टर मेकिंग दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब पढ़ लो यहाँ पे, फॉर हिमालयन, यहाँ पे रीजन दे रखे हैं ग्लेशियर जो है मेल्ट, बट दैट देखो यहाँ पे दे रखा है एक रीजन, हिमालयन इज प्रिडिक्टेड टू इंक्रीज दी ओवर दी नेक्स्ट 30 ईयर एज अ ग्लेशियर मेल्ट बट देन डिक्लाइन सब्सटेंटली ऑफ द ईयर आफ्टर। तो ऐसा तो नहीं है कि कम्प्लीटली वो बार बार आपके डिक्लाइन ही हो रहे हैं। ये आपका क्रिटिकल प्रोवाइडर जो इंसेंटिव देगा इन लार्ज स्केल पे, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इंडिया को नीड है कह रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रिसर्च इन एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन आपको दिख नहीं रही होगी, इसको एक बार मैं थोड़ा सा ऐसे करके आपको शो कर देती हूँ। देखो अब दिख रही है लास्ट वाली लाइन, दिख रही है, इंडिया को नीड है टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और आपको बताया गया इन एग्रीकल्चर इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस चेंज वेदर पैटर्न इन फर्दर, ठीक है। आया समझ में इसका आंसर कैसे किया?
किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से, यहाँ पे ही समझ में आया इसका आंसर क्या हुआ और कैसे किया। सिंपल इसका आंसर था आपका 2 एंड 3। ये क्लियर हो रहा है? और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, जहां पर वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना, एक चीज समझना, एक और तरीका आपको बताती हूँ मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। एक और तरीका था, मैंने आपको क्या बताया, जहां पर ना बहुत ब्रॉड लेवल पे चीजें की बात कर रहा है और वो नेगेटिव सेंस में, जैसे यहाँ पर देखो वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप प्लांट, कुछ आपको वर्ड थोड़ा वैसा नहीं लग रहा? वाइडर बहुत ही बड़ा, अगर कह सकते हैं व्यापक अनुकूलशीलता, यानी कि बहुत बड़ा वाइडर, अगर यहाँ पे नैरो देता तो ये करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी हो जाती, लेकिन यहाँ पर वाइडर वर्ड दिया था तो इससे भी मैं इसको एलिमिनेट कर सकते थे, तो भी हमारे पास दो ऑप्शन बचते, 1, 2 और 3। अगर आपको फर्स्ट वन क्लियर था तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाता, तो एग्जामिनर ने आपको स्टक किया था इस पॉइंट पे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स पे। ठीक है, ये क्लियर है? इसका सेकेंड क्वेश्चन दिखाऊं, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछते रहना मेरे से, ठीक है? सेकेंड देखिए, बताइए, ये इसी का सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो 2014 में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते थे ना, इसमें आपको कीवर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट है और आंसर देखने को मिल रहे हैं। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट द एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया, क्यों इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट करना इन इंडिया, बताओ कॉमन सेंस से। यस, वेरी गुड। देखो पहला क्या दे रखा है, टू प्रिडिक्ट द वेरिएशन इन द मॉनसून पैटर्न एंड टू मैनेज द वाटर रिसोर्सेज, बताओ। नो, ए इज नॉट द करेक्ट। देखो मैंने आपको क्या बोला था, जहां पर दो दो बार एक चीज की बात होती है, ये आप ना जीएस में भी ध्यान रखना, टू प्रिडिक्ट द वेरिएशन इन मॉनसून एंड टू मैनेज द वाटर रिसोर्सेज, टू मैनेज टू प्रिडिक्ट, ऐसे स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, ठीक है? दूसरा, आप जीएस के पेपर में ध्यान रखना, इस बात को आप मेरे दिमाग में बिठा लो, जहां पर आपको बात करेगा ना कि ये बॉडी ने ये किया है और साथ में आपको दो तीन बॉडी दे देगा, WHO ने भी किया है और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने भी किया है, ऐसे करके आप देखोगे बहुत सारे स्टेटमेंट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दो स्टेटमेंट जहां पे है ना वो आपके जनरली क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, ठीक है? तो पहला मेरा यहाँ पे सीधे हट जाएगा, टू प्रिडिक्ट क्या कह रहा है, वेरिएशन इन मॉनसून पैटर्न एंड टू मैनेज द वाटर रिसोर्सेज, हटा दो इस स्टेटमेंट को, ठीक है? अब देखो अगला क्या कह रहा है, टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या ये पॉसिबल है बताओ मुझे, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? जनरली सोचो, कॉमन सेंस से सोचो, टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या ऐसा होगा आप लॉन्ग टर्म पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप ये सब कर सकते हो? ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, साफ पता चल रहा है ना, दिस इज इनकरेक्ट। नाउ अब कंफ्यूजन होगा आपको दो ऑप्शन में, ठीक है? एक ऑप्शन है आपका टू फैसिलिट वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप, इसके बारे में बात करी गई थी, टू प्रिडिक्ट दी ड्रॉट कंडीशन एंड टू रिचार्ज एक्वाफायर, फिर देखो 2, 2 बस हटा दो, सोचना ही नहीं, जहां पे 2, 2 आ गया तो आंसर विल बी सी। आया समझ में कैसे किया? ये स्टेटमेंट आपका लिखा भी हुआ है, मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ऐसे ही आंसर दे दिया, तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर इधर पे कहीं लिखा भी गया था इस स्टेटमेंट को, हर जगह पे उसी चीज के बारे में बात हो रही है, आप देखो हर एक पैराग्राफ में जनरली इसी के बारे में बात हो रही है, वाइडर क्रॉप के बारे में, इनको हमें ये करना है, यहाँ देख लो आप, तो कोई और बचा ही नहीं, लार्ज स्केल में शिफ्ट करना है एग्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पे, इंडिया को नीड है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, देखो यहाँ पे दिया है ना, इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस चेंज वेदर पैटर्न इन द फ्यूचर, तो एग्रीकल्चर के बारे में एक ही पॉइंट है हमारे पास, दैट इज सी, एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर में क्या आती है हमारे पास, क्रॉप। ग्लेशियर वाला ऑप्शन गलत इसलिए है, देखो यहाँ पे, ये जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, तो मोस्ट ऑफ ने फर्स्ट भी करेक्ट किया था, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि हमेशा नहीं हो रहा है। देखो क्लाइमेट चेंज का मतलब आप लोग समझते हो, ज्योग्राफी का टर्म है, बेसिक टर्म है, क्लाइमेट चेंज का मतलब बताओ तो कोई मुझे कमेंट में, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, किसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज बताओ दो, क्लाइमेट चेंज का मुझे मतलब बताओ कोई कमेंट में, क्यों गलत है कोई बताओ मुझे, प्रणव और अमर कोई आंसर दो, देखो आप लोग कितना समझे हो फर्स्ट पॉइंट को, ठीक। राइजिंग एवरेज टेम्परेचर, तो क्या हर एक बार जब आपका एवरेज टेम्परेचर राइज करता है तो उसकी वजह से इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि मेल्टिंग होंगे ग्लेशियर्स का, देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर जो कि हमें रिक्वायर होता है, अरिना बात समझ में, क्लाइमेट चेंज इज नथिंग जस्ट अ वेरिएशन इन द एवरेज टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल टेम्परेचर में चेंज मतलब थोड़ा सा गर्मी चल रही तो थोड़ा सा ठंड आई ना, तो क्या होगा, ठंड आने पे तुरंत मेल्ट हो गए क्या ग्लेशियर, ऑलवेज सेटिस्फैक्ट्री कर रहा है क्या इस पॉइंट को,
यस, क्लाइमेट चेंज जो है वो लीड करता है किसकी तरफ, इन्वायरमेंटल फैक्टर की तरफ, जो कि क्या करते हैं, कॉज करते हैं राइज इन द टेम्परेचर. आ रही ना बात समझ में? इसीलिए हमारा ये ऑप्शन आपका गलत किया गया है. क्लियर हिमांशु? क्लियर है? अभी आज आप, मैं 10-12 क्वेश्चन आपको कराऊंगी, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, आप टेंशन मत लो. देखो आप आगे कैसे कैसे करोगे. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो जल्दी से. विजिबल है क्वेश्चन, एक बार मुझे कमेंट में बता दो क्वेश्चन विजिबल है. इससे मैंने डायरेक्ट फोटो ही ले ली है, विजिबल है ना? चलो जल्दी से देखो फटाफट. आप लोग मुझे आप कमेंट में बताना. विजिबल नहीं है? कहाँ से विजिबल नहीं है? फुली नहीं है? कहाँ पे विजिबल नहीं है? नीचे का पैराग्राफ नहीं दिख रहा? ओके ओके, एक मिनट बस, जस्ट वेट मिनट. हाँ मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ थोड़ा. नाउ अब बताओ विजिबल है? विजिबल है. चलो आप लोग मुझे बताना पहले क्या दिखाना है आपको. मुझे पहले पैराग्राफ दिखाना है या फिर ऑप्शंस दिखाने? आप जो बोलोगे मैं उस अप्रोच से आपको पढ़ाऊंगी. पहले ऑप्शंस, एवरीवन, सबको पहले ऑप्शंस. चलो ठीक है, यही मेथड से करेंगे हम लोग. ठीक है, ये मैं थोड़ा ऑप्शंस आपको पहले शो कर देती हूँ. चलो देखो, ये भी विजिबल नहीं हो रहा होगा. चलो विजिबल है ना, देख लो एक बार ध्यान से. केशव आपको समझ आ रहा है ना? कहीं पे डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना. ठीक है, कोई भी किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो तो. फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शंस को एक बार पढ़िए और इस पैसेज को पढ़िए और समझिए कि. हाँ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, 2014 का है. 2014 क्वेश्चन नंबर 4 सेट ए. अगर किसी को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है यू कैन डाउनलोड. 2014 सेट ए है ये, और क्वेश्चन नंबर उसका 4 है. पीडीएफ तो अभी तो नहीं डाल पाऊंगी, आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास में डाल पाऊंगी बिकॉज लैपटॉप मेरा बाहर है. मैं क्लास के बाद आपको दे सकती हूँ, अभी तो नहीं है मेरे पास. आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है क्या? पढ़ने में दिक्कत हो रही है? बहुत अच्छे से मैंने कोशिश तो किया है बनाने का. सेट ए है, इट्स ओके. ठीक है चलो देखो, अब मुझे बताना आप लोग. ठीक है, पैराग्राफ पढ़, सॉरी ऑप्शंस पढ़ के मुझे बताओ ये पैराग्राफ बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहा है. वी विल मैनेज. ठीक है, अगर नहीं कोई इशू होगा ना तो मैं क्लास एंड के बाद आपको ना पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग मैच करके देख लेना एक बार. ठीक है चलो, फोर्थ है. देखो किस चीज के बारे में बात हो रही है, मुझे कुछ बता सकता है कोई कि ये आर्टिकल, ये पैराग्राफ बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर रहा है? देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी कि यहाँ पर मेरा कोई भी कीवर्ड नहीं है. तो मैंने आपको जैसे बताया कि पहले के क्वेश्चन इजी क्यों होते थे, बिकॉज इसमें जनरली कीवर्ड्स हमारे नहीं रहते थे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज एन ऑयल कंपनी कैन मेक ग्रेटर प्रॉफिट इफ अ ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला फॉर पेट्रोल प्राइसिंग इज अनाउंस्ड एवरी फोर्थ नाइट और मंथ बाय. क्या समझ आ रहा है, किस चीज के बारे में बात हो रही? सॉरी ये आर्टिकल किस चीज के बारे में बात कर रहा है, कोई कमेंट में बता सकता है विदाउट गोइंग टू द पैसेज? कोई बता सकता है किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये पैसेज? ऑयल कंपनी प्रॉफिट एंड मैनेजमेंट. ठीक है, एक देखो एक तरीका होता है ना, आप ना कॉस्ट इफेक्ट अप्रोच लगाओ. ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. कॉस्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि किस चीज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, मतलब मेरा कॉस्ट क्या है. ठीक है, और उसका इफेक्ट का मतलब है कि रिजल्ट क्या निकलेगा. ठीक है, जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑयल कंपनी. ठीक है, कोई कॉस्ट क्या है मेरे पास, यहाँ पर मेरी कॉस्ट है यहाँ पर कोई एक ऑयल कंपनी है. क्लियर चीज हो रही है? क्लियर. अब क्या बोल रहा है, इसको आपका क्या करना है, ग्रेटर प्रॉफिट करना है इस ऑयल कंपनी को. इफेक्ट में क्या चाहिए, इसको चाहिए कि इसको ग्रेटर प्रॉफिट करना है. ठीक है, ग्रेटर प्रॉफिट करना है इन अ ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला. एक मतलब ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला का मतलब आप लोग समझते हो, मतलब चीजें सब क्लियरली हैं. ट्रांसपेरेंट अगर कभी समझ में ना आए तो इधर देख लिया करो. ठीक है, मतलब पारदर्शी.
ट्रांसपेरेंसी पढ़ा भी होगा आपने, ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला फॉर पेट्रोल प्राइसिंग, ठीक। अब क्या कह रहा है, इज अनाउंस एवरी फोर्टनाइट और अ मंथ बाय। अब क्या करना चाहिए उसको, प्रमोट इट्स सेल्स, क्या उसको अपने सेल्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो ट्रांसपेरेंसी वर्ड लिखा है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझते हो ना, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का मतलब आप लोग समझते हो, मुझे कोई बताएगा ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझ गए तो आप इसका आंसर कर दोगे, वेरी गुड, मेरे पास आंसर भी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जहां पे आप लोग ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रमोटिंग इट सेल्स। अरे भाई, अगर आप अपने सेल्स को प्रमोट करोगे ज्यादा से ज्यादा तो आप तो ट्रांसपेरेंस वे में नहीं कर रहे हो। ट्रांसपेरेंस वे में क्या कब होती हैं चीजें, जब आपके पास कस्टमर खुद आ रहे हैं, आप प्रमोट नहीं कर रहे हो चीजों को। आ रही ना बात समझ में, है ना। चलो देखते हैं, ये तो मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। अगर आप इसको फोर्थ ऑप्शन देख, फिर देखते हो अंडरस्टैंडिंग इनोवेशंस। यस, ये तो बिल्कुल अच्छा आइडिया है कि अगर मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो मुझे क्या क्या करना होगा, मुझे नए आइडियाज लाने होंगे ना। तो ये तो ऑप्शन एकदम जनरली करेक्ट हो रहा है। ध्यान दो बस कॉस्ट इफेक्ट पे ध्यान दो। कॉस्ट क्या है, ऑयल कंपनी को अपने इफेक्ट लाना है, ग्रेटर प्रॉफिट करना है, बट द कंडीशन इज ट्रांसपेरेंसी वे में करना है, ठीक है। अगली बात क्या हो रही है, कटिंग कॉस्ट, ठीक है। लास्ट बोल रहा है सेलिंग इट्स इक्विटी शेयर एट हायर प्राइस। अरे अगर वो अपने सेलिंग हायर प्राइस पे करेगा तो कैसे उसको ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा, बताओ। प्रॉफिट कब होता है, जब आप लार्जर ऑडियंस को कनेक्ट करते हो। अगर आप अपने इक्विटी के प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो आप लार्जर ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करोगे, सीधे सीधे पता चल गया डी इज इनकरेक्ट। भाई चलो डी हटा दो, डी हट गए तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे, ओनली लेफ्ट विद दी टू ऑप्शंस। तो मैंने यहाँ पे बताया प्रमोटिंग इट सेल्स। तो प्रमोटिंग इट सेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये ऑर्गेनिक तरीका नहीं है। हमें कहा है क्वेश्चन में कि हमें ट्रांसपेरेंसी में करना है, तो मेरा आंसर निकल के आ गया, दैट इज बी। आई बात समझ में, मैंने कैसे किया, नहीं वो ऑर्गेनिक तरीका नहीं है। वर्ड देखो, मैंने एक बात बोली ध्यान से, कॉस्ट में है ऑयल कंपनी, इफेक्ट में है ग्रेटर प्रॉफिट, बट दी कंडीशन इज कि ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए। जो आप लास्ट ऑप्शन बोल रहे हो ना, सेलिंग इट्स इक्विटी शेयर एट हायर प्राइस, अगर वो हायर प्राइस में सेल करेगा तो प्राइस तो ज्यादा मिलेगा, बट ऑर्गेनिक तरीका थोड़ी है वो, ट्रांसपेरेंट तरीका कैसे है? ऐसे समझो ना, मैं एक इंस्टीट्यूशन को रन कर रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट में समझो इट्स मी और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हूँ, और इफेक्ट में समझो मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रेटर प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। यही हो रहा है यहाँ पे, ऑयल कंपनी को भी ग्रेटर इफेक्ट, ग्रेटर प्रॉफिट चाहिए। तो अब और मेरे साथ कंडीशन है कि मुझे ट्रांसपेरेंट वे में करना है। अब किसी भी बिजनेस को रन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से करो या फिर आप इनऑर्गेनिक तरीके से ऑडियंस को लाओ। इनऑर्गेनिक तरीके से लाने का मतलब क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करो, आप प्रमोशन करो। तो अगर आप प्रमोट करोगे अपने सेल्स को ज्यादा से ज्यादा तो लोग तो देखेंगे ना, तो आएंगे तो सही, लेकिन वो ऑर्गेनिक तरीका नहीं। ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, जब लोग आपके प्रोडक्ट को देखकर आ रहे हैं आपके पास, तो पहला तो सीधे ही इनकरेक्ट हो गया। अगर आप पहला एलिमिनेट करते हो तो स्टिल आपके पास फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, दो ऑप्शंस बचेंगे, टू एंड थ्री और थ्री एंड फोर, और बिल्कुल टू पॉइंट इनकरेक्ट कोई बोल ही नहीं सकता। अगर आपको किसी भी चीज को रन करना है तो आपको इनोवेशन आइडियाज लाने होंगे। तो यही तो है, अगर ऑयल कंपनी इनोवेशन आइडियाज लाएगी तो इफेक्ट में उसको क्या होगा, ग्रेटर प्रॉफिट मिलेगा। तो सेकंड तो करेक्ट है ही, सेकंड करेक्ट है। तो उसके बाद कटिंग कॉस्ट, यस कॉस्ट कम करेगी तब भी इफेक्ट मिलेगा। ऑर्गेनिक कंसेप्ट हर जगह यूज कर सकते हैं, मतलब मतलब मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। प्रमोटिंग इट्स इस सेल्स का मतलब क्या होता है, ये समझिए। ऑर्गेनिक मेथड्स यहाँ नहीं, हमें क्वेश्चन में ट्रांसपेरेंट बोला है। यहाँ देखो ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला यूज करना है उस ऑयल कंपनी को, क्वेश्चंस में हमें, अरे नहीं इट्स मेंशन इन द क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन में देखो मेंशन है ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला लगाना है इस ऑयल कंपनी को, इसीलिए हम प्रमोट कर रहे हैं। अगर जरूरी नहीं है, किसी और क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला, देन इट विल बी करेक्ट। अरे बस समझ में, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ फोकस ऑन दी ऑप्शंस को, ऑप्शंस पे ध्यान दो, आपको तब समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ इतनी देर से। अब आए इस बात समझ में क्यों मैं उस पे बार बार फोकस कर रही हूँ। अब पैराग्राफ पढ़ना है, मुझे बताओ पैराग्राफ पढ़ना है, चलिए पैराग्राफ पे भी चलते हैं जल्दी से। अब पैराग्राफ पढ़ लीजिए एक बार फटाफट से। पहले आपके जनरली एक पैराग्राफ पे दो तीन क्वेश्चन आते थे, अगर आपने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे। जल्दी से इसको एक बार फटाफट पढ़ लो, क्या बोल रही है यहाँ पे। आनंद आपको समझ आ रहे हैं, केशव समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं, प्लीज पूछ लेना जिसको भी जो भी डाउट होगा। एकदम अच्छे से पढ़िए इनको,
थोड़े थोड़े धीरे धीरे 2-3 साल के जब हम कर लेंगे ना, आपको फिर समझ में आने लगेगा तरीका। देखो यहाँ पे, इट इज इजी फॉर अ गवर्नमेंट टू कंट्रोल द स्टेट ओन कंपनी थ्रू द नोड एंड विंग्स, सो व्हाट रियली नीड्स इज टू बी डन एज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, टू पुट पेट्रोल पंप ऑन द ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला। देखो मेंशन इन द पैराग्राफ ऑल्सो कि ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला लगाना है। ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला, इफ द प्राइस ऑफ क्रूड इज एक्स एंड द एक्सचेंज रेट इज वाई, देन एवरी मंथ ऑन द फोर्थ नाइट द गवर्नमेंट अनाउंस अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, विच एनीबडी कैन वर्क आउट फॉर द एक्स एंड वाई। द रूल हैड इट्स वर्क आउट मेक श्योर दैट द ऑयल मार्केटिंग कंपनी कैन इन जनरल कवर देयर कॉस्ट, ठीक है। This will mean that if one company can innovate and cut cost, it will make greater profit. देखो mention किया है cost cut, make greater profit, मिल गई line direct यहाँ पे। Hence firms will be more prone to innovate and be efficient. उसके बाद क्या लिखा है, be efficient. Under this system, once the rule is announced, there should be no interference by the government. ठीक है? अब आगे लिखा है, if this is done for the while, private companies will re-enter in the market and once आगे लिखा है आपका, a sufficient number of them are in the fray, we can remove the rule-based pricing and leave it is truly to the market. ठीक है? देख लो आपके आपके सामने पैराग्राफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग जिस भाषा में इजी समझते हैं उस भाषा में पढ़िए। डन, चलो अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस्ड। अब ये वाला क्वेश्चन करो, इसी पैराग्राफ का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, पैराग्राफ भी पढ़ लिया, नाउ डन, अब करो इसको, अब इसको इसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। विजिबल है क्वेश्चन, बताइए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे क्या होगा, आराम से टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अब यहां पर बात हो रही है पैसेज के बारे में, डी आंसर दे दिया, जल्दीबाजी में दे दिया क्या, ध्यान से देखो एक बार, प्रणव रीचेक करो, फिफ्थ का आंसर दीजिए मुझे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही जाना है, अब बाहर के दिमाग नहीं लगाना। देखो इसमें मेंशन कर दिया डायरेक्टली कि अकॉर्डिंग टू द, देखो यहाँ पे ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आपको जाना है, बियॉन्ड द पैसेज बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्या बोल रहा है, प्राइवेट ऑयल कंपनीज री एंटर द ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट, इफ कब एंटर करेंगी, ध्यान से देखो, अभी बताया है और पूरे पैसेज में उसके बारे में चिक चिक के बाद भी हुई है, अ ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड पेट्रोल प्राइसिंग एग्जिस्ट, करो मैं नहीं बताऊंगी, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस गुड गुड गुड, थर्ड एलिमेंट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, आपका दिमाग अब चलने लगा है मेरी तरह, शाबाश, हाँ गुड। आगे नवाज समझ में, फर्स्ट तो बिल्कुल ही हमारा क्या है, करेक्ट है, हटा दो भाई जिसमें फर्स्ट ही नहीं है, आ गया आंसर, एक मिनट का काम था, हाँ यस, नो सब्सिडीज यूज, बिल्कुल सही, ये भी नहीं है, ये सब्सिडीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट, दिस इज अगेन, अरे बस फर्स्ट पकड़ो ना, पूरे पैराग्राफ में ट्रांसपेरेंट रूल बेस की बात हो रही थी, मैंने आपको एक तरीका और बताया, इन तरीकों को ना दिमाग में बिठाओ, यूपीएससी के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन में भी आंसर मिलता है, जीएस के पेपर में भी होता है, इससे पहले मैं ही बोला था उसने ट्रांसपेरेंट ऊपर ही लिख कर दिया था, अब देखो यहीं पे इसने अगले फर्स्ट पॉइंट में ही कह दिया कि ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड पेट्रोल प्राइसिंग एग्जिस्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट होना ही है, तो कोई और ऑप्शन है क्या जिसमें फर्स्ट है, बताओ, एक मिनट का काम था इसको आंसर देना, क्लियर आ रहा है समझ में, कैसे अप्रोच कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताओ, आ रहे हो समझ रहे हो, यस हाँ बिल्कुल, आपको एक्सपर्ट होना है, मैं आपको कह रही हूँ 28 क्वेश्चन आने हैं तो 25 करेक्ट करने हैं, इतना एक्सपर्ट होना है, ठीक है, और हो जाओगे, बस खुद पे भरोसा रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले पैराग्राफ की, अब मुझे बताओ कमेंट में पहले क्या दिखाऊं, मुझे लग रहा है आप लोग शायद पहले ऑप्शन वाले में ही क्वेश्चन, हाँ चलो पहले क्वेश्चन ही दिखाते हैं फिर पैराग्राफ आपको मैं दिखाऊंगी, ठीक है, ये बहुत बड़ा है बिकॉज इससे ना 2-3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ, फिर आप लोग 2-3 मिनट का टाइम लो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक बार सीख जाओगे फिर तो फटाफट आंसर करने लगोगे, ठीक है। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाती हूँ, फिर मैं आपको पैराग्राफ शो करूंगी, डन, इस पे बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यूपीएससी अगेन ये मेथड आपका रीयूज कर रहा है जिसमें वो एक पैराग्राफ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा है, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ते रहोगे तो फिर घूम जाओगे, चलो करो।
और मुझे ऑप्शंस पढ़ के जल्दी से बताना कि इस पैराग्राफ में क्या समझ आ रहा है आपको, क्वेश्चन पढ़ के कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, ओवरऑल इसकी थीम क्या है, मुझे बताओ कमेंट में, पैराग्राफ पढ़ के बताओ मुझे कि इसकी थीम क्या है। यस, आ गई ना बात समझ में पैराग्राफ क्वेश्चन पढ़ते ही? तो बस अब जीएस की नॉलेज मत लगाने लग जाना, मैंने आपको बताया पैराग्राफ में बियॉन्ड द पैसेज नहीं जाना है, वही अप्रोच लगाओ ना, कॉस्ट इफेक्ट दिमाग में सोच लो, कॉस्ट इफेक्ट क्या बनेगा भाई, इसका क्या कॉस्ट है, क्या इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा, कॉस्ट में ढूंढो कि क्या बात कर रहा है और उसके इफेक्ट में देखो कि क्या रीजंस मिलेंगे। जब दिमाग ऐसे चलाने लगोगे ना तो फिर आंसर मिलने लगेंगे जल्दी जल्दी, मैं नहीं बताऊंगी, एक मिनट का टाइम दे रही हूँ फिर मैं बताऊंगी, पहले फटाफट से देख लो। यस, हाँ, ग्रीन हाउस गैस समझ गए हो आप लोग, गुड। इसमें एक ऑप्शंस पे मैं इसका आंसर दे सकती हूँ, एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके, आप लोग भी चलो ट्राई करो, तो एक कीवर्ड है, अगर आपने वो पकड़ लिया ना आपको आंसर सही आ जाना है। वेरी गुड, एक बच्चे ने पकड़ा, वेरी गुड। अरे इतना वेग स्टेटमेंट है, मैंने आपको क्या कहा, आप एलिमिनेट करना सीखो, आपको पैराग्राफ में जाने की नीड नहीं है, कॉस्ट देखो और इफेक्ट देखो। वेरी गुड, सबके आंसर आने लगे। प्रणव आपका आंसर क्यों नहीं आया, केशव, आनंद, बस आप तीनों का नहीं आया, जल्दी बताओ मुझे। यस अमर आपका आंसर राइट है, अब तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, अमर हिंदी में भी लिख दी है मैंने पैराग्राफ, कोई इशू है? केशव आप दोनों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, हिंदी में भी लिख दी है मैंने, आप लोग को लास्ट उसमें इशू हुआ था थोड़ा सा। नो नो आनंद, दोबारा चेक करो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो आप पैराग्राफ, कॉज देखो और इफेक्ट देखो क्या बोल रहा है, कॉस्ट इफेक्ट अप्रोच लगाओ सबसे, है नो इशू, ठीक है चलो बढ़िया। बताऊ मैं, प्रणव आपका गायब हो गए, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। 15 क्वेश्चन, वेरी गुड, हिमांशु को समझ आने लग गया है, अमर को समझ आने लग गया है, आनंद दोबारा देखो ध्यान से, कॉस्ट और देखो इधर, कॉस्ट और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक आपको समझ तो आ गया आर्टिकल किस चीज के बारे में। अच्छा मेरे को साइलेंट करके रीड कर रहे हो, चलो कर लो, मैं एक मिनट में ही साइलेंट हो जाती हूँ। हिमांशु कॉन्फिडेंस आ रहा है अब, यस वेरी गुड, केशव ने भी सही आंसर दिया, बड़ी खुशी होती है मुझे जब आप लोग सब सही सही आंसर देते हो, हाँ गुड, आनंद वेरी गुड, शाबाश, आप ही रह गए प्रणव पीछे। चलो देखते हैं कॉस्ट और इफेक्ट देख लेते हैं एक बार, चलो हम ही देख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कॉस्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैस है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ फॉलोइंग वुड हेल्प इन मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मिटिगेशन का मतलब समझते हो? हाँ यस, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, चलो कोई नहीं मैं बताती हूँ, देखो मिटिगेशन का मतलब समझते हो क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, कम करना या बढ़ाना, बताओ तो मुझे, मिटिगेशन तो पढ़ा होगा ना, यस, किसी चीज को क्या करना, कम करना, तो ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को कम करना है, कॉस्ट है मेरा ग्रीन हाउस गैस के, उसको हमें कम करना है, इफेक्ट में हमें उसके रिजल्ट्स देखने हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, यही हमें ऑप्शंस दे रखे हैं चार पांच, ठीक है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ मीट, ठीक है, हमें नहीं पता कि रिड्यूसिंग ऑफ कंजम्पशन ऑफ मीट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, डाउट में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चार ऑप्शन है, बहुत इजिली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। अगला देखो क्या रहा है, रैपिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जरा इस पॉइंट को एक बार ध्यान से देखो, तो तुम रैपिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, अगर हम लिबरलाइजेशन का मतलब पता है, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन पढ़ा है ना, अगर कभी एग्जाम में नहीं आए समझ में तो क्या करना है ना, ये गांठ भी बांध लेना मेरी इस बात को, हिंदी में पैराग्राफ को चेक कर लेना, देखो क्या कह रहा है, तीव्र आर्थिक उदारीकरण, अरे भाई अगर हम बहुत तेजी से रैपिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करेंगे तो क्या ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करेगा, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, वैसे भी जहां पे रैपिड फास्ट ऐसे वर्ड आ जाए ना हटा दो भाई,
मेरे को सेकंड मेरे को पता चल गया डेफिनेटली इनकरेक्ट है, हटा दो सेकंड इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, यहीं से आ गया मेरा आंसर। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं रिड्यूसिंग दी कंज्यूमरिज्म, ठीक है ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर हम कंज्यूम कम करेंगे तो आएगा, तो थर्ड आंसर मेरा है, बट थर्ड से आप सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। लास्ट देखो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ लाइव स्टॉक, क्या ऐसा हो रहा है क्या जो हम लोग मॉडर्न में प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं क्या ये इफेक्ट कर रहा है? कहीं से कहीं तक नहीं कर रहा, हटा दो सीधे। यस सेकेंड इज आउट ऑफ द पैसेज, तो मेरा ये था जो प्रणव ने पकड़ा, दैट इज सेकेंड पॉइंट। रैपिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होगा तो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम नहीं होगा, क्वेश्चन में कहा है मिटिगेशन करना है हमें, आ रही बात समझ में, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, क्या पैराग्राफ इसका आप लोग रीड करना चाहोगे या सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले? फिर आप लोग सोचोगे कि सीधे हम लोग पैराग्राफ ही नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लो प्लीज, क्योंकि इसके चार क्वेश्चन आने हैं, एक बार फटाफट पढ़ लो जल्दी से। विजिबल है पैराग्राफ, इज विजिबल, बता दो मुझे कमेंट में, जल्दी से एक मिनट फटाफट पढ़ो, जैसे जैसे हो जाए मैं दो मिनट का टाइम दे रही हूँ फिर आगे कर लूंगी। डाउन से नहीं है, चलो रुक जाओ एक मिनट, मैं फटाफट इनको लाइन पे लगा देती हूँ, पढ़ लेना एक बार जल्दी जल्दी से, सारों को पढ़ लो एक बार। कहीं आप कहो कि मैम तो हमें ऐसे हवा में बता दे रही है बिना पैराग्राफ पढ़े, है ना, तो वो चीज भी नहीं करनी है, बट एग्जाम निकलेगा ऐसे ही, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। अब विजिबल होगा शायद, देख लो। अरे आपने डाउनलोड कर लिया क्या पेपर? अरे वाह गुड, 17 को दोबारा देखो फिर, डाउनलोड कर लिया अगर तो। और जो आप लोग जो पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ दो मिनट का टाइम दे रही हूँ, मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाऊंगी, फटाफट रीड करो बस, देखते रहो क्या है। देखो फटाफट ऐसे पॉइंट्स जहां से बनने हैं, देखो मिटिगेशन क्या करेगा, रिक्वायर है एक मेजर शिफ्ट टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम द एनर्जी, शिफ्ट अवे फ्रॉम द ओवरवेलिंग डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, नाउ लॉन्ग ओवरड्यू बट अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट हैज बीन स्लो एंड इनएडिक्वेट। देखो यहाँ पे तो सीधे बोल दिया है ना। उसके बाद लार्जली बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव नॉट प्रमोटेड इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल कर ही नहीं रही है, मायोपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ रिलेटिवली लो प्राइसेस ऑफ ऑयल। अगला बोल रहा है, इट इज नाउ देयरफॉर इंपेरेटिव फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया ट्रीटिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी ऑन द लार्ज स्केल एज अ, फटाफट पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ, रिन्यूएबल एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल एज अ नेशनल इंपेरेटिव, पढ़ो जल्दी। दिस कंट्री इज एक्सट्रीमली वेल एंडाउंड विद सोलर विंड एंड बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर वी हैव लैग्ड अनफॉर्चुनेटली इज इन अवर एबिलिटी टू डेवलप एंड क्रिएट द टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हम फॉर हार्नेसिंग दीज रिसोर्सेज, ठीक है पढ़ लिया। वन पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री फॉर कैरिंग आउट स्टेगनेंट मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन असेस्ड बाय द आईपीसीसी, इसके बारे में यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। क्लियरली स्लो द नीड फॉर द इंश्योरिंग दैट द ग्लोबल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस पीक नो लेटर देन 2015 एंड रिड्यूस द रैपिडली देयर आफ्टर द, देखो कॉस्ट एसोसिएशन विद सच, पढ़ो आप लोग, बहुत लंबा है ये, मेरा मुंह दर्द हो गया बोलते बोलते, पढ़ो जल्दी से, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों अपने हिसाब से पढ़ो, मैं बोलूंगी तो वो डिस्टर्बेंस होगा। इससे पहले आपने अभी भी गलत है आपका आंसर, फिर से चेक करो। डन, मुझे बताते रहना जो लोग पढ़ रहे हैं, डन प्लीज डन, चलो गुड, फटाफट पढ़ो, स्पीड भी बढ़ाओ, जल्दी पढ़ो अगला अगला स्लाइड।
बस एक बार देखना है लिखा क्या है पैराग्राफ में, ताकि जब ऑप्शंस पढ़ो तो थोड़ा समझ में आए क्या लिखा है, ठीक है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हो जाएगा डन लिख देना कमेंट में फटाक से। हो गया शायद। चलो अब क्वेश्चन पे आओ, ये करो। अब क्वेश्चन विजिबल है, डन। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो जल्दी से। इसी पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन दी फॉसिल फ्यूल्स हेविली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो। इनएडिकेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनएडिकेट फंड फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनएडिकेट एबिलिटी फॉर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। यस यस, केशव ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ए आंसर कैसे दे दिया? यस, वन ओनली सिर्फ नहीं है, आगे पढ़ो, मैंने आगे पैराग्राफ में था। यस, अब आपने करेक्ट आंसर दिया है। अभी अभी मैंने पैराग्राफ में आपको दिखाया था, ये चीज मेंशन थी, इनएडिकेट फंड फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनएडिकेट एबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पता है इसमें क्या था? ये वाला पैराग्राफ में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, आपको मैं एक बार क्लास ओवर होने के बाद बोलूंगी कि एक बार पढ़ना इस क्वेश्चन को। ये वाला ना डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, बट दी प्रॉब्लम इज ना कि वन और टू करेक्ट हैं, तो वन और टू करेक्ट है तो देखो कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें वन और टू एक साथ जा रहे हैं, सिर्फ डी ही ऑप्शन है, तो डी ऑटोमेटिकली हमारा करेक्ट हो गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया है। आ रही बात समझ में? यस, अमर ने भी करेक्ट दिया है, हिमांशु ने भी करेक्ट दिया, केशव ने भी करेक्ट दिया। आनंद आप देखो एक बार दोबारा से, डी इज द करेक्ट, डी करेक्ट है इसका, वेरी गुड। डी जिसने भी आंसर दिया है। अप्रोच समझ आ रही है ना, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्लियर हो रहा है ना दिमाग में? चलो आगे बढ़े। आनंद कोई डाउट है आपको? आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो बताओ, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हाँ यस, वो मेंशन, हाँ एक ये डाउट आएगा मुझे पता था इसलिए मैंने बताया, ये मेंशन नहीं था इसलिए भी करेक्ट हो रहा है। क्यों करेक्ट हो रहा है? रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि वन और टू करेक्ट है, वन और टू डायरेक्टली मेंशन है पैसेज में। ठीक है, ऐसे केस में ना, अब यहाँ पर आप देखो कौन सा ऑप्शन है मुझे बताओ जिसमें वन और टू जा रहे हैं एक साथ, बताओ। वन और टू सिर्फ इस ऑप्शन में है, डी वाले में, वन टू एंड थ्री। यहाँ पर देखो सिर्फ वन है, यहाँ पर टू और थ्री है, यहाँ पे वन और थ्री है, तो कौन सा आंसर होगा? डी हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, बिकॉज वन और टू को जाना ही जाना है, ये करेक्ट है, ये मेंशन है पैसेज में, ये दोनों पॉइंट्स डायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, मैं दिखा भी दूंगी, आप एक बार क्लास एंड उनके बाद देख लेना, ये दोनों पॉइंट मेंशन है, तो इसलिए डी आंसर हुआ। क्लियर अप डाउट बता दो। बाय डिफॉल्ट करेक्ट हुआ है ये, ऐसे समझ लो। चलो डाउट है अभी भी तो पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगी। इसमें देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग ही जाना है, बाहर नहीं जाना है। केशव थोड़ा सा ध्यान ध्यान से देखो, थोड़ी जल्दी कर दी आपने। हाउ डज द मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस हेल्प अस, कैसे हमें ये मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस हेल्प करेगा? देख लो फिर से, कॉस्ट इफेक्ट की बहुत बढ़िया तरीका होता है, पता है कॉस्ट इफेक्ट वाले में ना हमें समझ आ जाता है कि रिजल्ट क्या देखने हैं। कॉस्ट क्या बात हो रही है? कॉस्ट बात हो रही है यहाँ पे हमारी ग्रीन हाउस के बारे में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के मिटिगेशन के बारे में। तो इफेक्ट में कह रहा है कि इसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे अगर हम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करेंगे तो, बताओ। सबने अलग अलग आंसर दिए हैं, किसी ने सी दिया है, किसी ने डी दिया है, क्या क्या है? रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ, ठीक है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन लाइफ स्टॉक, रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट, एंड लास्ट वन इज रिड्यूस रेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप कह सकते हो कि वो डेफिनेटली करेक्ट होगा? बताओ मुझे इनमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप कह सकते हो? फोर्थ वन, वेरी गुड, फोर्थ वन इज द पॉइंट जो कि डेफिनेटली करेक्ट होगा, फोर्थ। हाँ तो फोर्थ हमारा किस किस में है? तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इतना भी कर लोगे ना काम बन जाता है, ठीक है। हाँ इतना तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी,
प्रणव बताओ आप क्या होगा इसका आंसर जरा। देखो चलो ये हो गया, ये तो करेक्ट होना है। अब बच गए तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन में देखते हैं। यस केशव ने आंसर दे दिया बिल्कुल। अब देखो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट। यस ये करेक्ट है कि नहीं मुझे बताओ, ये डेफिनेटली करेक्ट है ना। कॉस्ट देखो, अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करेंगे तो क्या ग्रीन हाउस के मिटिगेशन में हेल्प करेगा कि नहीं, करेगा ना। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है ना, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं ये बताओ मुझे। देखो इधर बताओ मुझे, अभी तक कुछ नहीं बताया, अभी तक मैंने ये बताया कि डेफिनेटली करेक्ट फोर्थ वन है, आपको देखकर पता चल रहा होगा ना हिमांशु। देखो यस 17 क्वेश्चन में ही है हम, ठीक है जल्दी जल्दी करो, देखो इतना इतना लेट काम नहीं चलेगा। देखो फटाफट, ये करेक्ट है डेफिनेटली, पता चल गया, दिस वन इज करेक्ट। ये वाला पॉइंट एक बार जरा पढ़ो तो, सेकंड वाला क्या लिख रहा है, देखो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन लाइफ स्टॉक, सेकंड पॉइंट एक बार पढ़ो तो। यहाँ देखो इससे पशुधन पर निर्भरता घटती है, क्या ऐसा होता है क्या, पढ़ो तो। ग्रीन हाउस गैस के मिटिगेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या इससे हमारा डिपेंडेंस ऑन लाइफ स्टॉक घटता है क्या, बताओ मुझे। सेकंड पॉइंट आपको करेक्ट लग रहा है क्या, यस आंसर इज बी, सेकंड जैसे एलिमिनेट कर दोगे आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, छोटी सी आप लोगों ने जल्दीबाजी करी है इसलिए करेक्ट नहीं हुआ है आंसर, ठीक है आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आंसर दो, आपने 18 का आंसर दे दिया, क्या नाम है प्रणव, आपने 18 का आंसर दे दिया, 18 का बताओ क्या होगा। वट इज द एसेंशियल मैसेज ऑफ द पैसेज, ये पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो देखते ही आंसर पता चल जाएगा। दो जल्दी जल्दी दो, देखते पता चल रहा है इसका आंसर, तो क्या बोल रहा है, वी कंटिन्यू डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स हैवीली, हैवीली अरे ऐसे हैवीली वर्ड हटाओ जल्दी से। वी मस्ट इन्वेस्ट इन द रिसर्च, मस्ट हटाओ, मस्ट जहां भी मस्ट मुस्ट आ जाए ना हटा दो इनको, ठीक है हटा दो। तो वट इज द करेक्ट आंसर, मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउसेस इंपेरेटिव, इंप्रेसिव इंपेरेटिव। हाँ सबने आंसर दे दिया ना ये तो, चलो किसी ने गलत नहीं दिया है, वेरी गुड। आ रहा है समझ में कुछ या नहीं मुझे बताओ, आ रहा है समझ में कैसे अप्रोच करना है पैसेजेस को, अभी 10 साल के करेंगे ना तो हाथ सेट हो जाएगा आप लोगों का। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस दिखा रही हूँ, अगला पैसेज है ठीक है, हिमालयन इकोसिस्टम इज हाईली वल्नरेबल टू डैमेज, हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, देन मैं आपको पैराग्राफ में लाऊंगी। आंसर ये तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ना, चलो इसका आंसर पहले ट्राई करो पढ़ने का, क्या है जिसने पेपर डाउनलोड किया है, 26 पैराग्राफ है। वेरी गुड, आनंद ने करेक्ट आंसर दे दिया, वेरी गुड। ए या डी, वेरी गुड, आप लोग इतना भी बता दे रहे हो, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोग ने दिया है, सब ने करेक्ट आंसर दिया, यस ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ी खुशी हुई मेरे को कि आप सब ने करेक्ट आंसर दिया है, ए इज द करेक्ट। अमर का भी करेक्ट है, प्रणव का भी करेक्ट है, एवरीवन। टू इज एक्सट्रीम, यस बिल्कुल सही, परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ इकोसिस्टम इटसेल्फ, बताओ तो ये पॉसिबल है, टू एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हटा दो। मैंने कहा ना ये सब वर्ड यहाँ पे काम करेंगे तो बोथ तो नहीं होगा, नाइदर भी नहीं होगा, तो सीधे पता चल गया हमें ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो पैराग्राफ भी पढ़ाऊंगी मैं, अब आओ सेकेंड क्वेश्चन में, 27 पैराग्राफ पढ़ोगे एक बार मुझे कमेंट में बताओ, पैराग्राफ पढ़ोगे
पैराग्राफ पढ़ोगे ना? यस, एक बार पढ़ लो जल्दी जल्दी से, ठीक है? विजिबल है ना? एक बार पढ़ लो, पैराग्राफ भी पढ़ लो, बिकॉज इस पे बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं। जैसे हो जाएगा मुझे कमेंट में लिखना कि डन, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड फिर शो करूंगी। जल्दी जल्दी बस फटाफट देखो, हिमालयन इकोसिस्टम जो है, ओह सॉरी, हाईली वल्नरेबल है टू डैमेज। डन सबका? चलो ये वाला देखो, हो गया समझ आ रहा है क्या बात हो रही है पैराग्राफ में? हाँ कुछ आया दिमाग में? फर्दर इट नीड्स टू एम्फसाइज दैट द एंडेमिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोस्ट ऑफन विद स्पेशलाइज्ड हैबिट रिक्वायरमेंट आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल एलिमेंट इन दिस रिस्पेक्ट। द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विद रिच एंडेमिक डाइवर्सिटी इज वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द थ्रेड इंक्लूड द पॉसिबल लॉस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज स्पीसीज हैबिटेंट एंड उसके बाद डिक्रीज इन द इकोसिस्टम सर्विसेज। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम अज्यूम अ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाइल ड्रॉइंग द कंजर्वेशन प्लान फॉर दी रीजन। डन कर दी, पढ़ लिया? मुझे कमेंट में बता दो डन। ओके आप आंसर दे रहे हैं। 17 क्वेश्चन नंबर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर कुछ और आप लिख रहे हैं। चलो हो गया ना, पढ़ लिया ना सबने? चलो सेकेंड, अब 27 क्वेश्चन नंबर करो। क्वेश्चन नंबर 27 विजिबल है? मुझे बता दो एक बार कमेंट में। चलिए अब पढ़िए ध्यान से और बिल्कुल मुझे सबका आंसर करेक्ट चाहिए। एक बच्चे का करेक्ट आंसर आया अभी तक। ध्यान से देखो और एनालाइज करो ऑप्शंस को। वेरी गुड, आनंद ने भी करेक्ट आंसर दिया है। केशव आप भी दो जल्दी से आंसर। गुड, केशव ने भी करेक्ट आंसर दिया है। नो नो सी नहीं, दोबारा चेक करो, थोड़ा सा लैग कर रहे हो। देखते हैं, चलो आपसे नहीं होगा तो मैं बताती हूँ। यस अमर ने भी करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, सब ने करेक्ट आंसर दिया है, बस थोड़ा सा हिमांशु को कंफ्यूजन हो गया। देखो इधर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंप्लाइज द नीड ऑफ शिफ्ट टूवर्ड्स द कंटेम्प्रेरी कंजर्वेशन अप्रोच। ठीक है, यस वेरी गुड, प्रणव ने एकदम करेक्ट पॉइंट पकड़ा है, शाबाश। आप लोग यही दिमाग लगाना है, बिल्कुल देखो पकड़ो भाई, जो तरीका सिखाया है वही करो। एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कॉज अ स्ट्रेस ऑन द हिमालयन इकोसिस्टम। क्या होता है ऐसा बताओ आप लोग मुझे? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हिमालय परिवर्तन पर दबाव डालता है। इट्स नॉट करेक्ट,
हटा दो, नेचुरल रिसोर्सेस तो अवेलेबल है, उसको तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखो अगला क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज अल्टर्स द प्रेसिपिटेशन पैटर्न कॉज द एपिसोड ऑफ ड्रॉट एंड बायोटिक इंटरफेरेंस। अच्छा अगला देखते हैं, द रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग एंडेमिक डाइवर्सिटी मेक द हिमालयन रीजन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, लास्ट बोल रहा है, द हिमालयन बायोजियोग्राफिकल रीजन शुड बी एनेबल टू एडेप्ट द क्लाइमेट चेंज स्मूथली। जहाँ पे स्मूथली, जनरली ऐसे वर्ड होते हैं, ये जनरली आपके करेक्ट होते हैं, या सी नहीं हो सकता बिकॉज बायोडाइवर्सिटी वर्ड इज यूज। यस बिल्कुल सही पकड़ा इन्होंने, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज कर दिया है, दैट्स वाई सी इज नॉट द करेक्ट। ठीक है, आ रही बात समझ में, कैसे आप लोग अप्रोच करेंगे? सबने बहुत आंसर करेक्ट दिया था, वेरी गुड। क्लाइमेट चेंज देखो ये अल्टर कर देगा प्रेसिपिटेशन को, कॉज करेगा ड्रॉट, हटाओ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट को। ठीक है, आई बात समझ में? यस, सबने करेक्ट आंसर दिया था डी। कभी दिक्कत हो ना डी करेक्ट है कि नहीं, हिंदी में पढ़ लीजिए, हिमालय के जैव भौगोलिक क्षेत्र को इस तरह समर्थ बनाना चाहिए, देखो कितने अच्छे से बोल रहा है, इस तरह समर्थ बनाना चाहिए कि वह अबाध रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनता रहे। एकदम जनरली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अब 28 का आंसर दो जल्दी से। वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे बाय द पैसेज? पैसेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज क्या बताया गया है इस पूरे पैसेज में जो आपने अभी तक मेरे साथ सॉल्व किया? 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बताओ मुझे। 28 एंडेमिक इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर, मैं नहीं बोलूंगी फिर आप लोग को डिस्टर्ब होगा, मैं एक मिनट साइलेंट रहती हूँ। वेरी गुड, एक बच्चे का करेक्ट आंसर भी आया है मेरे पास, हो रहे हैं ना सॉल्व प्रणव? गुड, वेरी गुड, आनंद ने भी करेक्ट आंसर दिया। अमर दोबारा से देखो, थोड़ा सा लैग कर रहे हो आप। नो, दोबारा चेक करो हिमांशु आप भी। नो, केशव नो, सी नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज हैज एडवर्स इंपैक्ट ऑन द हिमालयन इकोसिस्टम। एकदम ही एडवर्स इंपैक्ट पड़ रहा है, देखो कितना वर्ड कैसा लिया है। यस, हिमांशु ने भी करेक्ट आंसर दिया, एडवर्स बिल्कुल ही बेकार इफेक्ट आपका दिखा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट होते हैं। तो 28 का जब हम आंसर करेंगे तो देखो यहाँ पे आगे देखो, विदाउट हिमालयन इकोसिस्टम द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी ऑफ अपलैंड एंड द डाउनस्ट्रीम विल नो सस। ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है ना, डी तो इनकरेक्ट है, तो डी तो किसी ने आंसर दिया ही नहीं, सी भी हटा दो, बिल्कुल एडवर्स इंपैक्ट दिखाता है कह रहा है। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, एंडेमिक इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हिमालयन रीजन। क्या यही सिर्फ एंडेमिक ही एक करेक्टरिस्टिक फीचर है क्या हिमालयन रीजन का? नो, स्पेसिफिक करके दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंजर्वेशन एफर्ट्स शुड एम्फसाइज ऑन बायोजियोग्राफिकल रीजन रादर देन ऑन अ सम स्पीसीज और हैबिटेट। बिल्कुल जेनेरिक स्टेटमेंट आपका दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि शुड वाले हमेशा गलत होते हैं। नो, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस में स्टेटमेंट दिया गया है। जब आप शुड वाले क्वेश्चन करोगे ना तो आगे लिख लेना कि वो नेगेटिव सेंस में बोल रहा है शुड कंप्लीटली या फिर पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कह रहा है कि कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो आपके इम्फेसाइज करते हैं किसमें, बायोजियोग्राफिकल रेंजेस में रादर देन ऑन सम स्पीसीज और हैबिटेट। अरे नमाज समझ में, इसीलिए हमारा आंसर बी करेक्ट हुआ। क्लियर, बता दो मुझे कमेंट में क्लियर किसने गलत दिया था। केशव समझ आया आपको, कोई डाउट है तो पूछो, बाकी सबने तो करेक्ट आंसर दे दिया है, कोई डाउट है आपको तो पूछिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलो अब करेंगे नेक्स्ट कीवर्ड पे काम। ठीक है, अब मैं आपको आज पहला एक कीवर्ड सिखाती हूँ। अब आपका काम क्या है ना, मैं एक बात आपको बताती हूँ, जैसे अभी सेशन एंड होगा ना तो 2014 के कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको आप लोग क्या करोगे ना, उसको आप लोग मुझे आंसर उसको एक बार खुद से सॉल्व करोगे आप। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस हैं, अब हम पहले कीवर्ड पे चलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन विजिबल हो रहे हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ।
चलो देखो, अब यहाँ पे 29 क्वेश्चन भी है उसमें. 29 क्वेश्चन मैंने शायद नहीं ऐड किया है, वो एजम्पशन वाला होगा 29 क्वेश्चन. प्रणव एक बार आप चेक करो, 29 आई थिंक एजम्पशन उसमें कीवर्ड लिखा होगा, है ना? हाँ यस, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया, बिकॉज एजम्पशन कीवर्ड में बताऊंगी आपको. इसमें मैंने आज वही क्वेश्चन ऐड किए जिसमें आपके कोई भी वो नहीं है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन किए, इसलिए नहीं बताया एजम्पशन वाला, ठीक है. एजम्पशन वाला मैं आपको बाद में करा दूंगी, बिकॉज एजम्पशन के आंसर्स कभी भी पैसेजेस में नहीं होते, वो सिखाऊंगी आपको मैं, ठीक है. चलो अब एक कीवर्ड का मतलब समझ लेते हैं. देखो ये जनरली आपको ये कीवर्ड ना बहुत सारे उसमें मिलेगा, तो ये कीवर्ड है क्या पहले उसको समझ लेते हैं. इसके ना जन आप लोग कंफ्यूज मत होना अगर इसको अल्टरनेटिव नेम से भी देगा तो एग्जाम में, ठीक है. जैसे इसका बेसिक कीवर्ड होता है जो ये टॉपिक आपको मैं बता रही हूँ, जैसे कहीं पर लिखा होगा सेंट्रल आइडिया, पहला कीवर्ड जो हम पढ़ेंगे दैट इज सेंट्रल आइडिया, ठीक है. और लिखा होता है थीम क्या है इस पैसेज की, या लिखा होता है आपको जिस्ट क्या है, ये सेम वर्ड है, ठीक है. या आपको कुछ और भी जैसे बेस्ट रिफ्लेक्ट, तो आप ओवरऑल सबका मतलब सेम है, ठीक है. आ रही बात समझ में? अब क्या करना है, जब भी ध्यान देना, जब भी सेंट्रल आइडिया थीम या जिस्ट ऐसा कीवर्ड आपको एग्जाम में दिखे जिसमें आपको यस क्रक्स है ना, बेस्ट क्रक्स या रिफ्लेक्स, ऐसे ये क्रक्स व्रक्स ये जिस्ट क्रक्स ऐसे आजकल वर्ड यूज करने लगा है, इसलिए ये एक ही के अलग अलग नाम है. अगर बात करूँ सेंट्रल आइडिया थीम जिस्ट क्रक्स, ये चीजें हैं एक ही, बट आपको अलग अलग ईयर्स में ना अब वो नेम को बस अलग अलग चेंज कर देते हैं. ये क्वेश्चन करने ईजी होते हैं. क्यों ईजी होते हैं मैं रीजन बताती हूँ. तो जब भी सेंट्रल आइडिया आएगा, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहली चीज अपने दिमाग में आपको क्या रखनी है, थीम जो भी आप बताओगे आंसर को सिर्फ एक लाइन को पढ़ के नहीं बताना है. अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा जहां पर आपको सेंट्रल आइडिया और थीम दिया हुआ है, ठीक है. वो अप्रोच सब क्वेश्चंस में लगेगी जो अभी तक हमने लगाई, कि जो एक्सट्रीम वर्ड है उनको हटाना है, जो ये करना है. लेकिन आपको मैंने क्या बताया तरीका, अपने माइंड में रखिए कि यस दिस कैन बी इनकरेक्ट, हाँ दिस कैन बी करेक्ट. तो उसको आपको ना अपने दिमाग में रखना है, एग्जाम में सीधे ही बिल्कुल काट पीट नहीं कर देना है. अरे नवाज समझ में? जैसे चार ऑप्शन है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं 1 2 3 4 ऑप्शन, ठीक है. अब इन फोर ऑप्शन में किसी में बहुत एक्सट्रीम वर्ड यूज हो रहा है, जैसे अभी हमने मैंने आपको कुछ तरीके बताए, ओनली हो गया आपका, एक्सट्रीम हो गया, जो भी वर्ड है, ठीक है. अगर ये यूज हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये इनकरेक्ट हो सकता है, तो इसके आगे पॉसिबिलिटी लगा दो कि दिस कैन बी इनकरेक्ट, ठीक है. डायरेक्ट इनकरेक्ट करके मत कर देना. कब कंफर्म करोगे आंसर्स को, एक बार आपको कहां जाना है, आपको पैराग्राफ में बर्ड आई व्यू डालना है. तो जैसे आपने पकड़ लिया कि यस ये लिखा है और ये पैराग्राफ में बात हो रही है, तब आप उसको करेक्ट करोगे, ठीक है. ये चीज अपने दिमाग में रखना, बिल्कुल भी शॉर्टकट एकदम ही हवा में आंसर नहीं करना है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना अपने इसमें, ठीक है. और कहां पर पैराग्राफ बिल्कुल ही नहीं देखना है वो भी मैं बताऊंगी, आगे कीवर्ड आएंगे जहां पे आपको पैराग्राफ देखना ही नहीं है, ठीक है. क्यों नहीं देखना रीजन भी बताऊंगी, ठीक है. चलो थीम, थीम की जो मैं बात कर रही हूँ, थीम के थीम पूछे, सेंट्रल आइडिया पूछे, जिस्ट पूछे, क्रक्स पूछे, क्या करना है, एक लाइन को पढ़ के आंसर मत दे देना कि फर्स्ट लाइन में मिल गया आपको. फॉर एन एग्जाम्पल हमने जितने अभी तक पैसेज किए, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, तो आपने सीधे वहां पे लिख दिया कि क्लाइमेट चेंज, और आपने देखा ऊपर क्लाइमेट चेंज है जिस्ट में, और क्लाइमेट चेंज आंसर कर दिया. मे बी आगे कुछ और बात हो रही होगी, तो हमेशा एक लाइन पढ़ के नहीं आंसर देना है, पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है. क्लियर हो रही है बात, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फटाफट एक मिनट में पढ़ना है, देन अपने दिमाग में एक जिस्ट या एक सेंट्रल आइडिया प्रिपेयर करना है, ठीक है. पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है. दूसरी चीज आपको बहुत ही ज्यादा बी केयरफुल रहना है. बी केयरफुल किस चीज के लिए, क्यों लिख रही हूँ मैं ये वर्ड एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द पैसेज नहीं जाना है. बार बार बोल रही हूँ बियॉन्ड द पैसेज नहीं जाना है, पैसेज के बाहर अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है. पैसेज में ही आपको रिस्ट्रिक्ट रहना है, पैसेज के बाहर नहीं जाना है. क्लियर हो रही चीजें, कि पैसेज के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है. उसके बाद आपको लिमिटेड रहना है पैसेज तक ही, ठीक है. उसके बाद आपको जो मैंने फोर्थ चीज बताई, कॉज इफेक्ट, वो चीज आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ए का बी के साथ कोई रिलेशन होता है ना, तो बी का ए के साथ क्या है, क्या कॉज होंगे, क्या इफेक्ट होंगे, इस तरह के इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक. तो पहला कीवर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज सेंट्रल आइडिया थीम जिस्ट क्रक्स. चलो अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, ये भी सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लेकर आई हूँ. अब देखो इस पैसेज में आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज इन द गिवन पैसेज. तो ये अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले का पेपर है, इसलिए इसमें आपको एक क्रक्स वर्ड मिल गया. हिंदी में बात करें
तो इसमें जनरली आपको दिखाता है परिच्छेद का सार, क्रक्स का मतलब होता है, बेस्ट क्रक्स का मतलब होता है आपका सार, यानी कि एक पॉइंट में कहें तो वो क्या वर्ड है जो इस पूरे पैराग्राफ को आपको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। पहले ऑप्शन सी देखेंगे इसमें भी हम, लेकिन हम पैराग्राफ में एक बार आएंगे और जहां पर भी आपको ये क्रक्स मिलेगा ना कीवर्ड, वहां पे आपको पैराग्राफ छोटा मिलेगा, आप पहचानो इसको, ही तो कहते हैं स्मार्ट तरीका, देखो कि हाँ ये दिया तो उसको भी पता है ना आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। चलो देखो पहले ऑप्शन सी देखेंगे इसमें भी और सब अपने दिमाग में आंसर देने का कोशिश करेंगे, फिर हम पैराग्राफ में आएंगे, ठीक है। चलो जो आपको लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, उस आंसर को एटलीस्ट आप ये करके रखो अपने दिमाग में कि यस क्या हो सकता है, कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। कोई एलिमिनेट कर पा रहे हो, ए आपने आंसर ही दिया है या फिर इसमें से आज आप इस ऑप्शन, इस ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है ना, इसमें आपको एक चीज समझाऊंगी मैं, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई ऐसा स्टेटमेंट है, चलो मेरे साथ आंसर करेंगे, कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप डेफिनेटली इनकरेक्ट कर सकते हो इन चारों में से, बताओ तो अपने अपने ओपिनियन। यस है कोई ऐसा स्टेटमेंट, थोड़े एक्सट्रीम है, ठीक है कोई नहीं, मुझे एक बात बता दो कि कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप लोग एकदम इनकरेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट आंसर। ओके किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, थ्री को, अच्छा फोर को, फोर को रख सकते हैं। ध्यान से पढ़ो एक बार, पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल, कैसा वेग सा स्टेटमेंट है मुझे बताओ। फोर्थ तो डेफिनेटली इनकरेक्ट कर देना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट को, देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ को तो सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, पीपल विल सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी ओपिनियन एट ऑल, ठीक है। क्या आपको इसके पैराग्राफ में ऑप्शंस को पढ़ के कुछ चीज समझ में आ रही है, ये सारे के सारे ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स में बनाए गए हैं, क्या ये चीज क्लियर हो रही है आप लोगों के दिमाग में। देखो पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर, दिस इज अगेन, फिर देखो पीपल शुड एक्युमुलेट एज मच एज मनी दे कैन, बताओ तो कैसी बात करी गई है इस स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट आप लोग नहीं कर पा रहे हो अच्छा ये क्या रीजन हो गया कि लोगों को ज्ञान देने वाले लोग कम ही चाहिए, बात तो सही कर रहे हो आप वैसे, बट देखो पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट दी ओपिनियन, क्या बोला है, ना उनको ज्ञान देना चाहिए ना उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। पहले मुझे एक बात बताओ, ठीक है जो मैं बोलूंगी वो मुझे बताना, फोर्थ में किसी को डाउट है, मैंने फोर्थ क्यों हटाया, कमेंट में बताओ। पहली बात मुझे बताओ ये चारों ही ऑप्शन आपको कैसे लग रहे हैं, नेगेटिव लग रहे हैं, मुझे बताओ ये पूरे के पूरे ऑप्शन ही कैसे हैं, नेगेटिव ही हैं, नेगेटिव है ना। चलो अब आते हैं आप पहले पैराग्राफ में आओ, मैंने आपको क्या बोला, ऑप्शन मैंने दिखा दिए, कोई किसको एलिमिनेट कर पाया, फोर्थ तो शायद सब एलिमिनेट कर पाए हैं ना, मुझे आंसर दिया है ए आंसर दिया है बहुत सारे लोगों ने, बाकी लोग देखिए, ठीक है। चलो पैराग्राफ पढ़ो जल्दी से अब, अरे ये तो दूसरा आ गया क्या, ओ एक बार पैराग्राफ पढ़ो तो, दूसरा पैराग्राफ है क्या, एक सेकेंड ना, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ो तो, क्या ये मैच कर रहा है इससे, एक बार पढ़िए तो, कहीं मैंने दूसरा तो नहीं लिख दिया। नो मैच ना, हाँ वही मुझे भी लग रहा है, ये मैंने दूसरा पैराग्राफ लिख दिया। ओके ऑप्शंस दूसरे हैं ना, यस हाँ, एक सेकेंड रुको, इसलिए मैंने आपको कहा पढ़ने के लिए, यहाँ से तो थोड़ा उल्टा दिखता है। अच्छा इसका मैं पैसेज ही नहीं लेकर आई, ओहो इसका पैसेज ही नहीं है, सॉरी मैं पैसेज लाना भूल गई, ये दूसरा पैराग्राफ मैंने वो कर दिया। नो मैच ना, यस हाँ कोई नहीं, मैं गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसमें पैराग्राफ दूसरा कर दिया। चलो मैं आंसर बता देती हूँ आपको, ठीक है ऐसे केस जब आएंगे ना, मैं ये क्वेश्चन मैंने लिखे इसलिए था कि मुझे इससे आपको कुछ सिखाना था,
ठीक है, पहली चीज देखो सारे ही स्टेटमेंट एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, क्या करना है ऐसे केस में, ध्यान से देखना, ये जीएस में भी अप्लाई होगा ये अप्रोच, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, बच्चे पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द ओपिनियन और ऑफ अदर, मतलब हमें लोगों के दूसरे ओपिनियन से वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा कम नेगेटिव है तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक बार जरा थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, तो सेकंड तो आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया होगा ना, पीपल शुड नॉट एक्यूमुलेट, ये तो बिल्कुल ही वेक सा है, ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया होगा, फोर्थ एलिमिनेट कर दिया आप लोगों ने, एंड सेकेंड वन पीपल शुड एक्यूमुलेट एज मच एज मनी दे कैन, ये क्या करेक्ट है, दो तो कर दिए ना, अरे इनकरेक्ट, अब बच्चा या तो फर्स्ट होगा करेक्ट या तो थर्ड होगा, अब एक बार पढ़ो तो जरा, एक बार दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, तो फर्स्ट और थर्ड को मैं जो सिखाना चाहती हूँ, क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन वाई, वाई एक्सप्लेनेशन रीजन दो मुझे, बस खाली तुक्के नहीं सीखने हमें, रीजन दो, अगर आप बोल रहे हो कि थर्ड इज डेफिनेटली इनकरेक्ट देन वाई रीजन, वेरी एक्सट्रीम, नो इट्स नॉट एन एक्सट्रीम, एक बार ध्यान से पढ़ो तो जरा, लोगों को न तो राय देनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, दिस इज अ बैलेंस, बैलेंस ध्यान से देखो एक बार, क्या ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसे तो लोग बात करना बंद कर देंगे, हाँ अच्छा, हाँ तीन में, हाँ ठीक है आप लोग की बात ठीक है, पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट दी ओपिनियन, ये इसका आंसर हम लोग ना पैसेज को पढ़कर ही डेफिनेटली बता पाएंगे, वन है कि थर्ड है ना, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा इसके पैसेज में क्या दे रखी है बात, ठीक है, तो पैसेज को पढ़ के ही बता सकते हैं, ऑप्शन लेनी नहीं चाहिए ओनली देनी चाहिए, अच्छा ओपिनियन सिर्फ देना चाहिए लेना नहीं चाहिए, तो इस ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट भी हो सकता है, हम देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगर इसका पैराग्राफ ले आऊंगी मैं, देखो इसमें बात क्या बोल रहा है ना कि पीपल शुड नाइदर गिव नॉर एक्सेप्ट दी ओपिनियन, वो आपका अलग पॉइंट है कि जो आप बोल रहे हो ना कि फिर लोग बात करना छोड़ देंगे, वो अलग चीज है, यहाँ पर अगर आप एक जनरली सारे नेगेटिव स्टेटमेंट में अगर आप एक बैलेंस अप्रोच वाला आंसर देखोगे तो वो मुझे सी लग रहा है कि ना तो लोगों को देना चाहिए ना कि ना ही एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बाकी लोगों के व्यू से, ठीक है, ये भी करेक्ट हो सकता है, मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगी कि ये इनकरेक्ट है, ये हम तभी डिसाइड करेंगे जब मैं इसका पैसेज लेकर आऊंगी, ठीक है, मैंने बताया ना आपको क्रक्स वाले में दो में फंस जाओगे, दो तो एलिमिनेट कर लोगे लेकिन दो में फंस जाओगे, और दो को करेक्ट आंसर फिर कैसे दोगे, विद दी हेल्प ऑफ पैराग्राफ, आ रही बात समझ में, इसका पैराग्राफ मैं सेंड कर दूंगी आप लोगों को या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए अब आते हैं जिसके पैराग्राफ है, इसका है आंसर, एक मिनट, चलो ये वाला करो ट्राई, पैराग्राफ दिखाऊं, सी एलिमिनेट किया है, अपने पे रखो अभी, मैं आपको पैराग्राफ शो करती हूँ, क्वेश्चन नंबर किस पे क्वेश्चन नंबर कह रहे हो आप, बी एंड डी दो दो आंसर आ रहे हैं, बी और अरे क्या हो गया, बी और डी कह रहे हैं कुछ लोग, चलो पहले पैराग्राफ पढ़ो एक बार, पहले मैच हो रहा है कि नहीं ये तो देख लो, पैराग्राफ पढ़ो तो एक बार, सी एलिमिनेट कर दिया उससे आगे भी तो बताओ,
डी ओके ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, ये 2014 का नहीं है, ये मैंने जो आपको पहला सेंट्रल आइडिया बताया ना, वो क्रक्स वाला मेन, वो उसके उसमें ये क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, प्रीवियस ईयर का कौन से ईयर का है, 2017 का है ये। मैं आपका ये क्वेश्चन ना उस थीम पे बेस लाई हूँ जो अभी आपको मैंने ये दिखाया ना, जो मैंने क्रक्स पैसेज का बताया, मेन आइडिया जिसको सेम अल्टरनेटिव वर्ड्स अलग अलग लिखे होते हैं उसका बता रही हूँ आपको मैं ये। ऑप्शंस ठीक है देख लो। यस एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, हिमांशु ने। यस इसमें एक ट्रैप भी बताऊंगी अभी मैं आपको, पहले ये आंसर करो। केशव आप पहुंचे तो अप्रोच अप्रोक्स सही हो, बस थोड़ा सा आपने मिस्टेक करी है। डी डी सब लोग डी दे रहे हैं मोस्टली। आनंद ने बी दिया है। देखो एक बार पढ़ लेते जरा। इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग टू वर्क, ठीक है एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, रख देते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अ वर्क एंड लेजर, ठीक है दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, हो सकता है हमें नहीं पता, ठीक है। वर्क इन ट्राइंगली विल विच वी फेस, ठीक है ये तो बिल्कुल ही वो हो गया, काम करना एक अत्याचार है जिसका हमें सामना करना होगा। अरे भाई कहाँ से अत्याचार हो गया, हटा दो सीधे, ठीक है। अगला है ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ वर्क इज एसेंशियल, क्या बोल रहा है, कार्य की प्रकृति के बारे में मनुष्य की समझ आवश्यक है, ठीक है ये तीनों स्टेटमेंट हो सकते हैं लेकिन एक स्टेटमेंट तो मैंने हटा दिया, ठीक है। ठीक है अब देखो, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दी द अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने ऑप्शंस बच गए, 1, 2 एंड 3, तीन ऑप्शंस बच गए, दो ऑप्शंस तो मेरे एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, तीन ऑप्शंस मेरे पास बच गए हैं, ठीक है। चलो अब पैसेज पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द वेरी फर्स्ट लेसन दैट शुड बी टॉट टू अस व्हेन वी आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड इट इज दैट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम दी ऑब्लिगेशन टू वर्क एंड अननेचुरल एंड ऑट टू बी अ इलीगल एज वी कैन स्केप आवर शेयर ऑफ दी बर्डन ऑफ वर्क ओनली बाई थ्रोइंग इट ऑन दी समवन एल्स शोल्डर। आ रही बात समझ में, क्या कहना चाह रहा है पैसेज। आगे बोल रहा है नेचर ऑर्डेंस दैट द ह्यूमन रेस सेल पर्निश ऑफ द फेमाइन इफ एट स्टॉप वर्किंग, ठीक है तो यहां पर कह रहा है कि स्टॉप वर्किंग जब वो ऐसा करने लगता है, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, इस हम इस पूरी जंजाल से नहीं बच सकते। तो द क्वेश्चन वी हैव टू सेटल इज हाउ मच लेजर वी कैन एफोर्ड टू अलाउ अवर सेल्फ। तो कह रहा है कि यहाँ पर बात यह है कि हम कितना लेजर अपना अलाउ करें ताकि हम एक वर्क बैलेंस कर सकें, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दी क्या नाम है इसका आपका, सी के अलावा, बताओ सी के अलावा कोई कोई ऑप्शन और एलिमिनेट कर पा रहे हो। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दी वर्क एंड लेजर, ऐसा डायरेक्टली बात बोली है, ये आप एज्यूम कर रहे हो ना। मैंने क्या बोला, जब भी आपको मेन आइडिया या क्रक्स दे बियॉन्ड दी पैसेज नहीं सोचना है, आपको खुद से नहीं सोचना है कि ये ऐसा होना चाहिए तो ये आंसर करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे इसमें बात करी गई है लेजर के बारे में लेकिन क्या बोला है, देखो एक बार ध्यान से इस लाइन को देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पे बोला है द क्वेश्चन वी हैव टू सेटल इज हाउ मच लेजर वी कैन एफोर्ड टू अलाउ अवर सेल्फ, कि कितना कितना हमें वो चाहिए। देखो हिंदी में पढ़ो ना कि हमें कितनी सुलझता होनी चाहिए कि हम अनावश्यक वहन कर सकते हैं। तो ये तो हम खुद से आप लोग एज्यूम कर दे रहे हो कि हमें इनके बीच में बैलेंस करना चाहिए, ये हम खुद से एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमें बैलेंस चाहिए बिटवीन दी वर्क एंड लेजर। एलिमिनेट होगा बताओ मुझे, बताओ कमेंट में बताओ, डाउट है तो बताओ मुझे सेकेंड में, अगर डाउट है तो सेकेंड क्यों हटाया मैंने, आपने खुद से अज्यूम किया है ना। पैसेज में तो वो कह रहा है कि आपको कितना करने की नीड है, वो यही तो कह रहा है पैसेज में, देखो यहाँ पे लास्ट में वो ये कह रहा है कि कितने हमें द क्वेश्चन वी हैव टू सेटल इज हाउ मच लेजर वी कैन एफोर्ड टू अलाउ अवर सेल्फ, कितना हम कर सकते हैं, हम अपने आप को अलाउ कर सकते हैं, ये बोल रहा है। अब आओ बाकी वाले दो ऑप्शन पे, क्या बोल रहा है देखो, इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन टू वर्क, ठीक है ये भी हो सकता है करेक्ट, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ वर्क इज एसेंशियल, ऐसा बोला है कहीं पे,
कहीं पे बोला है? दो ऑप्शंस में से बताओ मुझे क्या होगा। अब आप लोग भी दिमाग लगाओ थोड़ा अपना, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ए ए हो रहा है, ए हो रहा है। देखो कहीं पे बोला है इस बारे में, देखो एक बार पैसेज ध्यान से, जो एसेंशियल ऑफ द वर्क की बात कर रहा है ना, वो इसने कहा है। देखो वी कैन, ये देखो, द वेरी फर्स्ट लेसन दैट शुड बी टॉट टू अस व्हेन वी आर ओल्ड इनफ अंडरस्टैंड इज दैट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम दी वर्क ऑब्लिगेशन ऑफ वर्क इज अननेचुरल, है ना। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है डायरेक्टली, देखो, एंड ऑट टू बी अ इलीगल, वी कैन एस्केप आवर सेल्फ ऑफ दी बर्डन ऑफ वर्क ओनली बाय थ्रोइंग इट टू दी समवन एल्स शोल्डर। तो यानी कि ये जो बात इसने करी है यहाँ पर कि जो लोगों को काम करना चाहिए, एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग टू वर्क, ये तो उसने बोला है कि हम कब कर सकते हैं। पैसेज में है? यस, बिल्कुल है पैसेज में। वो कह रहा है कि आप काम करने से तब बच पाओगे जब आप क्या कर रहे हो, अपने कामों का बर्डन किसी और के कंधे पे डाल दे रहे हो। देखो लिखा है ना यहाँ पे, आप कब एस्केप कर सकते हो बर्डन ऑफ वर्क बाय थ्रोइंग इट ऑन टू दी समवन एल्स शोल्डर। आप अपने कामों का बर्डन किसी और के कंधे पे डाल दे रहे हो, है ना। तो यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये एसेंशियल है ह्यूमन बींग के लिए कि वो वर्क करे, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये क्या, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, ह्यूमंस ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ वर्क इज एसेंशियल। क्यों, ये क्यों एसेंशियल है हमें ह्यूमंस के नेचर के बारे में बात करने के? तो आप खुद से एज्यूम कर रहे हो, पैसेज में डायरेक्टली लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन है, ध्यान से देख लो। अगर दिक्कत है तो दोबारा पढ़ो पैसेज को और ध्यान से देखो क्या मैं सही बोल रही हूँ। दोबारा से एक बार पैसेज में देख लो, आपको मिल जाएगा द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन रेस ऑफ वर्क। ये आपको दिया गया है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है टू डू दी वर्क, कह रहा है ना, ये एसेंशियल है ह्यूमन के लिए कि वो काम करे। और कैसे वो भाग सकता है, जब वो अपने कामों का बर्डन किसी और के कंधे पे डाल दे रहा है। बात हो रही है, देखो पहले लाइन में। सेकेंड बात भी बोली गई है, देखो मैं आपको जो एक क्रक्स वाली बात होती है ना, इसमें आपको सब पॉइंट लगेगा कि बोला गया है। सेकेंड बात भी बोली गई है कि आपको, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि हमें बैलेंस करना है बिटवीन दी वर्क एंड लेजर, डायरेक्टली नहीं बोला गया है, ठीक है। थर्ड भी सेम ऐसा ही है ना, ये मेन आइडिया भी है पैसेज का, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वन देखो, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ वर्क इज एसेंशियल, ये कहीं पे मेंशन ही नहीं है पैसेज में। बियॉन्ड द पैसेज नहीं जाना है, बात समझो। अगर ऐसे बियॉन्ड द पैसेज जाके थोड़े बहुत भी इनोवेटिव आइडियाज ले आओगे ना, तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। और ये जो आप अभी ब्रेन लगा रहे हो ना, ब्रेन बियॉन्ड द पैसेज जाने का, थोड़ा ये मैं बताऊंगी ये ब्रेन कहाँ पे लगाना है, वहां पे आपके ये सब क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। आप ये ब्रेन अगर वहां पे अप्लाई करते हो तो, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें बता दो मुझे, किसी को डाउट है इसमें? नो किसी को नहीं है ना? प्रणव आपको कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है क्या? बोलो। ए कैसे आंसर है? पैसेज नहीं, आइडिया लग रहा। डाउट किस किस ऑप्शन में आपको, पहले मुझे बताओ। ए और डी में, ए एंड डी में डाउट है ना आपको? ए है इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग टू वर्क, है ना, एंड लास्ट वन इज ह्यूमंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ वर्क इज एसेंशियल, ठीक है। इन दोनों में ये, चलो पैराग्राफ एक बार ध्यान से पढ़ो, तो आप जरा जल्दी से ध्यान से पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। आप पढ़ो एक बार, दोनों ऑप्शंस को भी दिमाग में रखो। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि ध्यान से देखो, ये एसेंशियल है ह्यूमन के लिए कि वो काम करे, ठीक है, सिंपल है, मनुष्य के लिए काम करना आवश्यक है। और लास्ट वाली बात कर रही है कि कार्य की प्रकृति के बारे में मनुष्य की समझ आवश्यक है, कह रहा है कि ह्यूमन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो नेचर के लिए, वो समझना भी जरूरी है, ये चीज कह रहा है। और पहले में कह रहा है कि काम करना जरूरी है। अब देखो दोनों बातें पैसेज में बोली गई हैं, बट कौन सी चीज डायरेक्टली मेंशन करी गई है वो देखो पैसेज में और ढूंढो,
बताओ मुझे, द वेरी फर्स्ट लेसन दैट शुड बी टॉट टू अस व्हेन वी आर ओल्ड इनफ अंडरस्टैंड इज इट दैट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ वर्क इज अननेचुरल. देखो पहले लाइन में ही बोला है कि कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ वर्क इज अननेचुरल. ठीक, आगे क्या बोल रहा है, एंड ऑट टू बी इलीगल एज वी कैन एस्केप अवर शेयर ऑफ बर्डन ऑफ वर्क. हम पहली लाइन का मतलब समझो, कब कर सकते हैं, जब हम किसी और के कंधों पर डाल दें. वो साफ साफ ये कह रहा है कि पहला चीज जो हमें सिखाया जाता है, पहला लेसन जो हमने सीखा है वो क्या है, वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम कंप्लीट फ्रीडम नहीं कर सकते फ्रॉम दी किससे, अपने ऑब्लिगेशन ऑफ वर्क से. ये अननेचुरल है, ये प्रकृति के खिलाफ है, वो ये कहना चाह रहा है. एंड इलीगल भी हम बोल सकते हैं. हम कब बच सकते हैं काम करने से, जब हम अपने शेयर ऑफ बर्डन को क्या कर दें, किसी और के कंधे के ऊपर डाल दें. ठीक है, नेचर उसके बाद आपको लिखा है दैट ह्यूमन रेस सेल्फ पैरिस ऑफ फेमाइन इफ इट स्टॉप वर्किंग. ठीक है, लास्ट पैराग्राफ बोल रहा है वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस, हम इस पूरे के पूरे उससे हम एस्केप नहीं कर सकते. लास्ट द क्वेश्चन वी हैव टू सेटल इज हाउ मच लेशर वी कैन एफर्ट एंड अलाउ टू अवर सेल्फ. जो क्वेश्चन ऑफ लेशर वाला था वो इसने यहाँ पर बोल दिया है. तो पैराग्राफ में यहाँ पे कहाँ पे बोला है मुझे बताओ, जहाँ पर ये बात आप लास्ट वाला स्टेटमेंट जो कह रहे हो कहाँ पर बोला है, ह्यूमन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ वर्क इज एसेंशियल. बताओ, उसने तो ये बोला है कि इंसान के लिए काम करना जरूरी है. अगर काम नहीं करेंगे, काम से हम कब बच सकते हैं, वो बोल रहा है तब बच सकते हो जब आप अपने कंधों का बाहर किसी और के सर पे डाल दो पूरा का पूरा. देखो एक बार दोबारा से, स्टिल डाउट है तो पूछो. ये बात कहीं पे डायरेक्ट पैसेज में लिखी है जो आप बता रहे हो लास्ट वाला, क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है. डाउट्स आने बहुत कॉमन है, समझ में आ रहा है ना चीजें कैसे कर रहे हो, दो ऑप्शन तक पहुंच जा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है. अगर आप दो को एलिमिनेट कर दे रहे हो ये बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलो अब आते हैं, चलो ये करो. बी ज्यादा करेक्ट आपको इसलिए लग रहा है ना, यहाँ देखो ट्रैप है वो, देखो इधर जिसने बी करेक्ट बोला, इधर देखो बी क्या कह रहा है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दी वर्क एंड लेशर. वो कह रहा है कि काम और आराम के बीच में संतुलन होना चाहिए. अब यहाँ पैसेज में पढ़ो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर देखो बताया गया है कहीं पे, ये क्वेश्चन है कि हम कैसे सेटल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को अलाउ कर सकते हैं. वो तो पूछ रहा है आपसे, डायरेक्टली नहीं बोल रहा है. आप यहाँ पर ये लेक्चर वर्ड देख के आप सोच रहे हो कि हमें वो बात करी गई है, वो बोला है पैसेज में बट क्लियरली नहीं बोला है. क्लियरली तो उसने पहली लाइन में ये बोला है कि हमें अपने काम को, इंसान जो है वो काम को उसको करना ही पड़ेगा, ह्यूमंस को, वो नहीं बच सकता. ठीक है, चलो एक बार और देख लेना लेक्चर को, फिर कोई दिक्कत होगी फिर पूछना मेरे से. ठीक है, चलो अब ये वाला करो. तो ड्यूरिंग द समर इन आर्कटिक ओशन, तो मैंने आपको अभी क्या समझाया, जहां पर भी क्रूशियल मैसेज, क्रक्स ऐसे कीवर्ड आपको मिलेंगे ना, वहां पे पैसेजेस आपको बहुत लंबे लंबे नहीं मिलेंगे. ठीक है, देखो अगेन एक छोटा सा पैसेज है, ऑप्शंस दिखा दूं, क्वेश्चंस, चलो पहले एक बार क्वेश्चंस देख लो. ये थोड़ा इधर हो गया, एक मिनट. हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर दे दिया मुझे एक बच्चे ने, करेक्ट आंसर. ये एलिमिनेटेड एलिमिनेटेड मत लिखो, सीधे आंसर लिखो क्या है आंसर. वेरी गुड, आप एलिमिनेट भी कर पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है. थर्ड नो, दोबारा देखो. बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, जल्दी देखो ना कौन सा लग रहा है आपको. एक बच्चे ने देखते ही आंसर भी दे दिया है, वेरी गुड, केशव का भी करेक्ट है. यस, चलो अब पैसेज भी पढ़ लो एक बार.
अमर पैसेज पढ़ो अब एक बार, आप और ये पैसेज पढ़ो एक बार। डन पैसेज ऑप्शंस, ठीक है चलो। दो लोगों ने, हाँ दो तीन बच्चों ने बिना पैसेज पढ़े ही मुझे करेक्ट आंसर दे दिया है, बट आप लोग बताओ मुझे पैसेज पढ़ के। वेरी गुड, डी डी डी, डन, सबका करेक्ट आंसर है, गुड। समझ गए ना, एक भी बच्चे ने मुझे इनकरेक्ट आंसर नहीं दिया है, वेरी गुड। डी समझ गए ना, देखो ये क्या कह रहा था, क्लाइमेट चेंज हैज कॉज द आर्कटिक समर टू शॉर्ट बट टेम्परेचर टू बी हाई, बिल्कुल ही वो स्टेटमेंट है। पोलर बियर कैन बी शिफ्टेड टू द साउथ पोल टू इंश्योर देयर सर्वाइवल, ऐसे पैसेज में बात नहीं करी गई है, ठीक है। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पोलर बियर द फूड चेन इन आर्कटिक रीजन विल बी डिसअपीयर, तो ऑटोमेटिकली द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। चलो सब ने करेक्ट आंसर दिया है, गुड। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैसेज, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा मैं इधर कर देती हूँ आप लोगों के लिए। चलो क्वेश्चन विजिबल है, एक बार बताओ मुझे। हाँ ऑप्शन ही दिखाया है मैंने पहले, ध्यान से देखो, 2 मिनट टाइम दे रही हूं मैं। ए या बी, ओके चलो कोई नहीं, आंसर तो पता चल जाएगा। पहले आप एक बार पैराग्राफ को देख लो, ठीक है, क्रक्स वाले में पैराग्राफ को देखना है। चलो बताओ ए या बी, इतना बता दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग इतना कर ले रहे हो।
प्रणव, आपने बिना पैराग्राफ देखे आंसर दिया था क्या? एक बार रीड करो तो पैराग्राफ को, क्या वो बात बोली गई है? नो नो नो, एक बार, हाँ वो आप सही हो, आप वहां तक पहुंच गए ना, लेकिन मैंने क्या बोला, ब्लाइंडली आंसर नहीं देना है, एक बार पैराग्राफ को रीड करना है। हाँ यस, इसीलिए बोला मैंने, देखा इतनी छोटी सी उसमें आपका आंसर चेंज हो गया। वेरी गुड, सब ने करेक्ट आंसर दिया है, इतना आप लोग बता पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो पहली क्लास ही ली है हमने आज, तो इसी में आप लोग सही कर रहे हो। अमर ने भी कल ऑप्शन दिखाऊं? चलो ठीक है रुको। देखो ऑप्शंस, अमर ने कल करेक्ट दिया है, प्रणव ने करेक्ट दिया है, केशव ने करेक्ट दिया है, हिमांशु ने भी करेक्ट, आपने तो करेक्ट आंसर दे दिया था ऊपर। ठीक है रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगले वीक से। आनंद ने ए, थोड़ी सी गलती करी है, दोबारा देखो बी होगा आंसर, सब ने करेक्ट दिया, बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। द ग्रोथ ए भी करेक्ट है, लेकिन अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो यहाँ पे ये ओनली देखकर मत पढ़ना। देखो ओनली वाले स्टेटमेंट कब करेक्ट होंगे ना, जिसको ओनली वाले ट्रैप में गलती हो रही है ना, देखो ओनली के साथ, ओनली आपका क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो जब नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ आपका एक और नेगेटिव स्टेटमेंट जुड़ा हो उसमें, तो आपका वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। कैसे? मैथ्स वाला कंसेप्ट लगाओ, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। दिमाग कितना लगाता है यूपीएससी वाले, देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होता है। द ग्रोथ ड्राइवन बाय द जीडीपी ओनली, एक नेगेटिव ये मिला, इज नाइदर, दो मिल गए, डिजायरेबल नॉर सस्टेनेबल। आ रही बात समझ में? पूरा नेगेटिव 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 बना रखा है इसको, नॉर, तो ये हमारा करेक्ट है। द ग्रोथ ड्राइवन बाय द जीडीपी ओनली नाइदर, क्यों, हिंदी पढ़ लो अगर दिक्कत हो रही है तो, केवल जीडीपी द्वारा संचालित वृद्धि न तो वांछनीय है और ना ही टिकाऊ है। बिल्कुल सही बात है, क्या सिर्फ अगर हम जीडीपी को संचालित करेंगे, उसमें हम वृद्धि करेंगे, तो क्या ये सस्टेनेबल होगा? सीधे पता चल गया हमें, आंसर इज बी। पहले वाले में क्या बात हो रही है ना, जो आप पहला वाला करेक्ट बोल रहे हो, देखो पहले वाले को इनकरेक्ट करने का एक और रीजन है, देखो क्या कह रहा है, मोर एम्फेसाइज शुड बी लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल। क्या ये बात सही है क्या, हमें ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज जो है वो नेचुरल कैपिटल पे करना चाहिए क्या? नहीं, पैराग्राफ में नहीं बात बोली गई है इस चीज के बारे में, पैराग्राफ में कहीं पर भी आपको नेचुरल कैपिटल नहीं मिलेगा, इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, पढ़ लेना एक बार। ठीक है आनंद, आप एक बार पढ़ लेना क्लास के बाद, ठीक है? हाँ यस, बी स्टेटमेंट क्वेश्चन को हमारा बैलेंस भी करता है। देखो कह रहा है ना, क्रूशियल इन्फेरेंस फ्रॉम दी अबव पैसेज, तो यही वहां पे पूरे पैसेज में जीडीपी के बारे में ही बात हो रही है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो, पैसेज क्रक्स का मतलब बताया ना मैंने आपको, जो मेन पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं। डन, आ गया समझ में, बी क्यों आंसर आया, आ रहा है समझ में, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो बताओ मुझे कमेंट में, क्लियर हो रही हैं चीजें? तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब कल आपको क्या करना है, देखो आपकी जो अभी तो हो रहा है, बाद में भी होगा, भरोसा रखो खुद पे बस।